यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। So from today we are going to start with the most awaited lecture, that is the revision lecture for the May and November 2020 exam के लिए। अमेंडमेंट जो भी है उसके लिए सेपरेट लेक्चर आएंगे, लेकिन रिविजन लेक्चर के साथ साथ में जो भी अमेंडमेंट है वो ऑब्वियसली कवर होते जाएंगे। हमेशा मैं स्टार्ट करता हूं रिवीजन लेक्चर कैपिटल गेन टैक्स रेट से, लेकिन इस बार मैं रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं पीजीबीपी से, बिकॉज पीजीबीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और पीजीबीपी आपके एग्जाम में कवर करने वाला है अप्रोक्स 20 मार्क्स के करीब। सो ये टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज करना है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और ये आने वाला एक डेढ़ घंटा है, उस 1 और 1.5 आवर्स में अपन क्या करेंगे, पूरा पीजीबीपी है उसको अपन रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 28 ये बोलती है कि सर कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। सबसे पहला, any profit or gain arising from business or profession carried on by associate any time during the previous year shall be taxable under the head PGBP। उसके बाद एक चीज समझना, अगर आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी सब्सिडी मिलती है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या फिर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस किसी को आप सेल कर देते हो, उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो देखो मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में अगर आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को आप सेल कर देते हो और उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक बात समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक की जगह एक डीपीबी और डीएफआरसी का कंसेप्ट आता है। डीपीबी का मतलब होता है ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक एंड डीएफआरसी का मतलब होता है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन ये आजकल है, ये बंद हो गया, आजकल ऐसा मिलता नहीं। बट अगर मान लो आपको डीपीबी मिला या डीएफआरसी मिला और वो डीपीबी डीएफआरसी आपने किसी को बेचा, उससे जो इनकम होती है दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक चीज समझना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर रेम्यूनरेशन मिलता है, मीन सैलरी कमीशन बोनस मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता है, that interest will also be taxable under the head PGBP। interest है वो interest भी आपके PGBP head में taxable हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है, अब एक चीज समझना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और अगर मान लो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई भी परक्विजिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, whether it is convertible into money or not, that will be taxable under the head PGBP। तो कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्विजिट है, that is due to business and profession, that will be taxable under the head PGBP। उसके बाद एक चीज समझना, अगर आपको नॉन कंपीट फीस मिलती है, नॉन कंपीट फीस का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है, मींस नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके लिए आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर आप किसी के साथ में जो भी पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो किसी के साथ और शेयर नहीं करोगे, मींस नॉन शेयरिंग ऑफ एनी ट्रेडमार्क कॉपीराइट फ्रेंचाइजी डिजाइन फार्मूला, उसके लिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इन दोनों को मैं नॉन कंपीट फीस बोलूंगा। एक तो कुछ बिजनेस वगैरह, बिजनेस प्रोफेशन ना करने के लिए आपको पैसा मिलता है, या फिर आपके पास कोई भी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज डिजाइन फार्मूला है, वो किसी और के साथ आप शेयर नहीं करोगे, उसके लिए आपको कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई भी कैपिटल असेट था और कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो कैपिटल गेन में टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रेड है और वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस दिन कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन की डेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने क्या बोला, स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन अगर कैपिटल असेट में होता है तो कैपिटल असेट में जिस डेट को कन्वर्ट हुआ उस दिन का जो एफएमवी रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है, तो उससे जो भी इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये वाली जो इनकम है वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज समझना, पीजीबीपी में एक चीज ध्यान रखना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस को सेपरेट बिजनेस ट्रीट करोगे, उनको आप एक साथ में नहीं, आपको अलग अलग बिजनेस ट्रीट करना है, स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव। ऐसा इसके लिए बिकॉज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस होते हैं वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट अप होते हैं, एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस है दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव बिजनेस? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें डिलीवरी नहीं होती, ऐसा बिजनेस जिसमें सेटलमेंट होता है विदाउट द डिलीवरी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लेकिन बेटा एक चीज समझना, 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव लेकिन वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। There are four transactions that will be looks like a speculative but it is not a speculative transaction. सबसे पहला, अगर आप कोई hedging contract लेते हो, hedging contract related to raw material या फिर merchandise और तुम्हारा stock and shares, means आपका hedging contract है, that will not be treated as the speculative transaction. दूसरा, अगर आप forward contract लेते हो. तीसरा, अगर आप मान लो derivative में काम करते हो, अगर आप derivative करते हो through the recognized stock exchange, derivative in shares and security या derivative in the commodity, MCX में अगर आप derivative के ट्रांजैक्शन करते हो तो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे. लेकिन एक चीज समझना, कमोडिटी के केस में कंडीशन है कि वहां पे आपका सीटीटी पे होना चाहिए. कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो पे होना चाहिए. लेकिन एक चीज समझना, एग्रीकल्चर कमोडिटी में सीटीटी पे नहीं होता. तो क्वेश्चन ही आता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के ट्रांजैक्शन क्या स्पेकुलेटिव हो जाएंगे? आंसर इज नो. लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये क्लेरिफाई किया कि स्पेकुलेटिव में नहीं आएगा. एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो भी तुम्हारा स्पेकुलेटिव में नहीं आएगा अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप अगर मान लो ट्रांजैक्शन करते हो. तो देखो मैंने क्या बोले, देखो चार ट्रांजैक्शन ऐसे है. पहली चीज स्पेकुलेटिव मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती. एग्जांपल के लिए आप ले लो इंट्राडे. जो भी इंट्राडे के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अपन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो अगर इंट्राडे वगैरह है दैट इज द स्पेकुलेटिव. लेकिन चार ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो स्पेकुलेटिव नहीं माने जाएंगे. जैसा लगेगा स्पेकुलेटिव पर स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा. सबसे पहला अगर आपका हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा तुम्हारा ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड उसके बाद ट्रेडिंग इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स है वो तुम्हारा स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा. अब एक चीज समझना, सेक्शन 29 ये बोलती है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी का इनकम. तो पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कोई बात नहीं, सेक्शन 32-43D को फॉलो करो, यू विल गेट द पीजीबीपी का इनकम, वो हम फॉलो कर लेंगे. नाउ सेक्शन 30 से लेके 37 तक की सेक्शन है, वो ये बोलती है कि पीएनएल के डेबिट में कौन-कौन से खर्चे अलाउ होते हैं. पीएनएल के डेबिट में कौन-कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? सबसे पहली सेक्शन 30 ये बोलती है रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. क्या बोला? रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. और बिल्डिंग वो वाली जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होती है. रेंट अगर ओनर ने खुद को पे कर नहीं सकता तो रेंट है वो ओनर को ऑब्वियसली अलाउ नहीं होगा. बट अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट हो तो आपको रेंट अलाउ हो जाएगा. रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो ओनर है या टेनेंट है दोनों को अलाउ होगा. लेकिन रिपेयर में ध्यान रखना, करंट रिपेयर जो रेवेन्यू रिपेयर होता है वही अलाउ होता है. कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता क्योंकि कैपिटल रिपेयर है वो तुम्हारी असेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है. उसके बाद सेक्शन 31 ये बोलती है इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर. अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस एंड रिपेयर करवाया आपको डिडक्शन मिल जाएगा. रिपेयर में वही करंट रिपेयर है तो अलाउ होगा. तो इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो आपको अलाउ होगा. ओनर ने पे किया तो भी अलाउ, टेनेंट ने पे किया तो भी अलाउ. लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या रेंट भी अलाउ हो जाएगा? यानी आंसर इज यस, रेंट भी अलाउ हो जाएगा. यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ड्यू टू सेक्शन 37 जो है अगर आप प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट पे लेते हो तो रेंट भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और चीज समझना, बिल्डिंग के केस में वगैरह अगर टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया, टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया तो क्या करेंगे? क्या टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया वो सीधा पी&एल के डेबिट में डाल देंगे? आंसर इज नो. टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया तो भी उसको कैपिटलाइज करेंगे टेनेंट की बुक में और उसको डीम्ड बिल्डिंग बनाया जाएगा और डीम्ड बिल्डिंग पे टेनेंट है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहेगा. आफ्टर दैट सेक्शन 32 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. अब एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन आपको अलाउ तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये है कि आप असेट के ओनर होने चाहिए करके, ठीक है, और दूसरी कंडीशन वो असेट बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए. ओनर का मतलब क्या होता है सर? बेनिफिशियल ओनर या रजिस्टर्ड ओनर? आंसर इज बेनिफिशियल ओनर. एज पर द मैसूर मिनरल्स के केस लॉ में बोला था आप बेनिफिशियल ओनर हो, आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, रजिस्टर्ड ओनर होने की जरूरत नहीं है. अब एक और चीज समझना, आप किसी असेट के पार्ट ओनर हो तो भी क्या डेप्रिसिएशन आपको पार्ट पे मिलेगा? आंसर इज यस. पार्ट ओनर हो तो पार्ट वाले पार्ट पे आपको डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा. अब एक और चीज समझना, लीज के केस में डेप्रिसिएशन कौन लेगा? अब अकाउंट्स तो क्या कहता है आपको, लीज के केस में इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज है वो लेसर लेगा, फाइनेंसिंग में लेस ही लेगा. लेकिन अकाउंट गोज टू बाय ऑयल फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स. मींस अकाउंट है उसको दिमाग से हटा होते लेने का अकाउंट. आपको देखना है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में इन केस ऑफ लीज है वो डेप्रिसिएशन हमेशा लेसर लेता है, लेस ही नहीं लेगा, हमेशा लेसर लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लेसी को डेप्रिसिएशन दे दिया तो लेसी क्या करेगा कि भैया वहां पे जो लीज रेंट भी डिडक्शन ले लेगा और डेप्रिसिएशन भी ले लेगा, डबल डिडक्शन ले लेगा. दैट्स व्हाई लेसर है वो ऑलवेज डेप्रिसिएशन क्लेम करता है. अब एक और चीज समझना, हायर परचेज के केस में आप ओनर बनते हो, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब बनते हो. लेकिन एक चीज समझना, आप डेप्रिसिएशन इनिशियल पीरियड से ले सकते हो, मींस स्टार्टिंग से आप डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और चीज समझना, असेट का यूज होना चाहिए तो ये आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा. यूज का मतलब एक्टिव यूज या पैसिव यूज? आंसर इज दोनों चलेगा. अगर एक्टिव यूज है या पैसिव यूज है दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक और चीज समझना, डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब असेट एक्चुअली पुट टू यूज होगी, ना कि रेडी टू यूज। तो पुट टू यूज होगा तभी से आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा, रेडी टू यूज से डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, असेट कितने क्लास की होती है, तो मैं बता दूं डेप्रीशिएबल असेट 4 क्लास की होती है। सबसे पहला बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का मतलब जिसको देख के आपको लगता है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान रखना टेम्पल्स जो होते हैं वो भी बिल्डिंग में आ जाएंगे, जो फैक्ट्री में रोड बनती है वो भी तुम्हारे बिल्डिंग में आ जाएगी। फर्नीचर में जो भी तुम्हारी वायरिंग होती है, फिक्चर्स होता है, दैट विल बी कवर्ड इन द फर्नीचर। उसके बाद इंटेंजिबल असेट में एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन गुडविल जो आपने परचेज की हुई है वो भी तुम्हारे किस में, इंटेंजिबल असेट में आ जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में क्या आएगा, जो बच गया वो तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि प्लांट एंड मशीनरी से कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखी है। एक तो एनिमल्स, एनिमल्स से वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, टी बूशेज से वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे करके, ठीक है। एंड फर्नीचर है एंड बिल्डिंग है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी। तो जो भी एनिमल्स है वो तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, टी बूशेज प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, एंड बिल्डिंग, फर्नीचर है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी। लेकिन एक चीज समझना, बुक्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर के पास वो भी हमारे प्लांट एंड मशीनरी में आ जाती है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर हम कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दो मेथड होते हैं, एक WDV एक SLM। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट हो, मींस यू आर एंगेज्ड इन द पावर जनरेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो आप SLM WDV दोनों में से कोई भी ले सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, WDV मेथड लेना पड़ेगा। उनको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, WDV मेथड है वो लेना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर WDV मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहती है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहती है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बिल्डिंग के केस में, बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 5% की रेट से, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसे अपने बिजनेस में बहुत बार एम्प्लॉइज के लिए क्वार्टर वगैरह बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, अदर बिल्डिंग 10%, टेम्पररी बिल्डिंग 40%। उसके बाद अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बात करूं तो 10%। प्लांट एंड मशीनरी में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज मोटर व्हीकल, यहां पे अमेंडमेंट है ध्यान रखना। मोटर व्हीकल के केस में डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, तो मोटर व्हीकल अगर नॉर्मल है जैसे मेरी कार है जो बिजनेस में यूज होती है उस पे 15%, लेकिन अगर मोटर व्हीकल हायरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है तो उस पे 30%। मींस नॉर्मल जो मोटर व्हीकल है उस पे 15%, बट हायरिंग बिजनेस में यूज होता है जैसे ओला में मेरी टैक्सी चलती है, या फिर जो नीता ट्रेवल्स की वगैरह जो बसेज होती है, VRL की बसेज होती है, उस पर 30% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक चीज समझना, अभी आपको पता रहेगा मोटर व्हीकल की सेल बहुत कम आ गई थी, तो निर्मला सीतारमण ने यहां पे अमेंडमेंट किया और निर्मला सीतारमण ने यहां पे बोला कि अगर आपने मोटर व्हीकल है वो परचेस किया एंड पुट टू यूज किया बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों करना है, तो उस केस में नॉर्मल मोटर व्हीकल पे 30% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड अगर हायरिंग बिजनेस है तो 45% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो देखो मोटर व्हीकल के केस में आप क्या बोलोगे, नॉर्मल मोटर व्हीकल 15%, अदर मोटर व्हीकल है वो 30%। अब एक चीज समझना, अगर आपने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया तो उस केस में अगर वो नॉर्मल वाला है तो उस पर 30% एंड हायरिंग बिजनेस है उस पे 45% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। शिप के केस में आपको 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, उसके बाद बुक्स के केस में आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। विंडमिल्स के केस में एंड विंडमिल्स के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसके केस में अगर 1/4/2014 से पहले इंस्टॉल हुए तो 15%, 1/4/2014 या उसके बाद में इंस्टॉल हुआ तो 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो रहेंगे उस पे 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अदर प्लांट एंड मशीनरी जो है एंड ऑयल वेल्स होते हैं उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड इंटेंजिबल असेट होती है उस पे आपको बेटा 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब एक और चीज समझना, क्या डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना मैंडेटरी है। नहीं तो लोग पहले क्या करते थे, जिस ईयर में 44 एडी लेते थे उस ईयर डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं थे, क्योंकि उनका तो टर्नओवर का सीधा 8% PGBP का इनकम बनेगा, और जिस ईयर में 44 एडी नहीं लेते थे उस ईयर में वो डेप्रिसिएशन ले लेते थे। तो लॉ मेकर्स ने लॉ में ही लिख लिया कि डेप्रिसिएशन है वो आपको लेना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, जो मोबाइल फोन होते हैं EPA BX का मतलब इंटरकॉम कॉलिंग सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं, तो मोबाइल फोन एंड EPA BX क्या उसको कंप्यूटर में 40% ले लेंगे या अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% लेंगे? राइट आंसर इज अदर प्लांट एंड मशीनरी में लेके उस पे 15% डेप्रिसिएशन लेंगे। लेकिन एक चीज समझना, जो कंप्यूटर के एसेसरीज होती है जैसे प्रिंटर होता है, या उसके साथ में जो भी यूपीएस वगैरह होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एसेसरीज रहती है उस केस में उस पे आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, असेट इवन 2000 की है तो भी उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप सीधा P&L के डेबिट में नहीं डाल सकते। अब एक और चीज समझना, कौन सी सिस्टम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? दो तरीके का सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल असेट सिस्टम, एक ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम वैसा वाला जो आप अकाउंट में फॉलो करते हो, हर एक असेट का हिसाब अलग अलग रखते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल असेट सिस्टम। एक चीज समझना, आप अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हो, और एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकता है? सिर्फ पावर जनरेशन या पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, वो एसएलएम मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसएलएम मेथड फॉलो करते हो तो आपको इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप WDV मेथड फॉलो करते हो, एंड 99.99999% लोग ऐसे रहते हैं जिनको WDV सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम लगेगा। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेम क्लास ऑफ असेट। मींस रेट भी सेम होनी चाहिए, क्लास भी सेम होनी चाहिए, एक साथ में उस असेट को ले लो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। मैंने क्या बोला? ग्रुप बना दो एक, दैट इज जिसमें रेट भी सेम है, क्लास भी सेम है, उसको एक साथ में ले लो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर डेप्रिसिएशन हम ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में कैलकुलेट कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ब्लॉक का आप ले लो ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, और ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक में आप है वो ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल जो असेट आपने एक्वायर की उसका एक्चुअल कॉस्ट है वो आप ऐड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, ऐड करते टाइम आपको तीन पार्ट में ऐड करना है। सबसे पहला असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज और मोर, Asset acquired and put to use less than 180 days, and तीसरा आप ये लिखोगे asset acquired but not put to use। ऐसा हो सकता है कभी आपने इस साल में asset acquire की लेकिन इस साल put to use नहीं की, तो बेटा उसको block में जोड़ेंगे, depreciation नहीं मिलेगा। depreciation नहीं मिलेगा लेकिन उसको अपन block में जोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आप ले लो opening WDV of block। opening WDV of block में तीन चीजें आप ऐड करोगे, एक तो asset acquired and put to use for 180 days or more, दूसरा asset acquired and put to use for less than 180 days, and तीसरा तुम्हारा asset acquired but not put to use। अब ये total जो आएगा उसमें से आपको जितना मनी पेबल है वो लेस कर दो। मनी पेबल का मतलब होता है असेट इस साल आपने सेल की, डिस्कार्ड की या डेमोलिश की, डिस्ट्रॉयड की, और उससे कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिला है वो आप लेस कर दो, वो तुम्हारे मनी पेबल में आ जाएगा। और मनी पेबल को आप लेस कर दो, मतलब जितना पैसा आता है वो आप क्या कर दो? लेस कर दो। जो मनी पेबल है उसको आप लेस कर दो, और जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इस साल में आपने कोई स्लम सेल में यूनिट ट्रांसफर कर दी है, स्लम सेल में आपने कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दिया, तो जितना WDV उस अंडरटेकिंग का था वो असेट्स का WDV आप लेस कर दोगे। अपने एग्जांपल में आपको बता रहेगा, मैंने बताता था टाइटन का, मान लो टाइटन जो है उसने क्या किया, तनिष्क वाले सेगमेंट को बेच दिया, तो यहाँ पे टाइटन का WDV था मान लो 500 करोड़, आउट ऑफ दैट तनिष्क का WDV आया 100 करोड़, तो 100 करोड़ को आप लेस कर दोगे, 400 करोड़ है वो टाइटन का WDV रहेगा। तो देखो मेरी तरफ देखो, WDV कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? सबसे पहले ले लो ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। ओपनिंग WDV में ऐड करो, क्या ऐड करोगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीन पार्ट में। फर्स्ट असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, असेट एक्वायर्ड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, और उसमें से आप लेस करोगे मनी पेबल एंड स्लम सेल में कोई असेट ट्रांसफर कर दी तो उसको लेस कर दोगे, आपको मिल जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, जो WDV फॉर डेप्रिसिएशन होता है उस WDV में से अगर कोई असेट एक्वायर की पुट टू यूज नहीं की तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर असेट एक्वायर्ड की एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर, Asset acquired and put to use for less than 180 days in that previous year, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बैलेंस जो बचेगा उस पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये हाफ और फुल के लिए सर डेट कौन सा रहेगा? तो मैं बता दूं, तुम्हारे लिए लीप ईयर है, और लीप ईयर के लिए डेट कौन सा रहता है? 4th and 5th। अगर 4th अक्टूबर तक आपने पुट टू यूज कर दिया, 4th अक्टूबर तक आपने पुट टू यूज कर दिया तो फुल रेट, और 5th अक्टूबर तक, 5th अक्टूबर या उसके बाद में आपने पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट। बट अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो 3rd and 4th हो जाता। नॉन लीप ईयर के केस में 3rd and 4th अक्टूबर, और लीप ईयर के केस में आपका 4th and 5th अक्टूबर है, वो आपको देखा जाएगा हाफ एंड फुल के लिए। अब एक और चीज समझना है यहाँ पे सर, जब भी असेट आप एक्वायर करते हो और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज यूज करते हो उस साल में, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, ये हाफ रेट वाला फंडा सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की है। अगर असेट एक्वायर की, पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर की, और नेक्स्ट ईयर लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे 1920 में मैंने एक असेट एक्वायर की, इस साल मैंने यूज की नहीं, अगले साल मैंने यूज किया लेस देन 180 डेज, तो अगले साल आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये जो हाफ रेट वाला फंडा है ये सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की जाती है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इस साल में अमलगमेशन, डीमर्जर या सक्सेशन हो जाता है, अमलगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है सेक्शन 47 जो तुम्हारे कैपिटल गेन में दे रखा है, जैसे प्रोपराइटर टू कंपनी बना, पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी बना या छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी बना। तो उस केस में क्या होगा, सक्सेशन के केस में, अमलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में सर उस साल का डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा? तो उस साल का डेप्रीशिएशन पहले आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रीशिएशन आता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम। जितने दिन आपने एसेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जितने दिन आपने एसेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब एक बात समझना, सेक्शन 50 ये बोलती है कि आप एक बात बताओ, डेप्रिशिएबल एसेट जब आप बेचते हो तो कैपिटल गेन कब हो सकता है? एक चीज ध्यान रखना, डेप्रिशिएबल एसेट जो ब्लॉक ऑफ एसेट की एसेट होती है उसको अगर आप बेचते हो तो कैपिटल गेन दो केस में हो सकता है। पहला तो अगर आपका ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाए, आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया, आपके पास ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा, आपका पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन हो सकता है, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। उस केस में डेप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग WDV प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग WDV प्लस परचेज से कम है तो उस केस में आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो देखो सबसे पहला पार्ट, अगर आपने ब्लॉक पूरा सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है, आपका ब्लॉक खत्म हो जाता है, जितनी एसेट आपके ब्लॉक में पूरी हो जाती है, पूरी सब बेच देते हो, तो उस केस में आपको आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। हमेशा ध्यान रखना शॉर्ट टर्म होगा। एक और चीज समझना, अगर आप मान लो कुछ एसेट बेचते हो, पूरा ब्लॉक नहीं बेचते लेकिन कुछ एसेट बेचते हो, लेकिन वो कुछ एसेट का सेलिंग प्राइस है वो तुम्हारे ओपनिंग WDV प्लस परचेज से ज्यादा हो जाता है, आप कुछ एसेट बेचते हो और कुछ एसेट का सेलिंग प्राइस ओपनिंग WDV प्लस इस साल में जो परचेज किया उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज आपको, अगर देखो असेट भी है और WDV भी है, अगर असेट भी है और WDV भी है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, उस पर डेप्रिशिएशन है वो क्लेम करोगे। तो देखो कैपिटल गेन दो केस में हो जाता है, पहला ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाए, ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उस केस में कैपिटल गेन होगा, और दूसरा अगर मान लो ब्लॉक की कुछ एसेट बेचते हो और तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग WDV प्लस परचेज इस साल में जो एसेट परचेज की उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो आपको मिलेगा, जैसा इस एग्जांपल में आपको मैंने बता रखा है। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 32(1)(2)A इज रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। सर क्वेश्चन ही आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 लोगों को मिलता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या फिर पावर जनरेशन बिजनेस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में। अगर आप 4 बिजनेस में हो, किस में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, पावर जनरेशन बिजनेस में, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। तो मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो, उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर एसेट पे मिलेगा? आंसर इज नो, ओनली प्लांटेड मशीनरी पे मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, और वो भी सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा। ऑफिस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, बट वो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। जो भी सेकंड हैंड है उस पे नहीं मिलेगा, ऑफिस या रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या शिप पे नहीं मिलेगा, और जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी साल में मिलता है जिस ईयर में आप पहली बार एसेट को पुट टू यूज करते हो, और 20% की रेट से मिलेगा। तो जिस ईयर में आपने पहली बार एसेट को पुट टू यूज किया, फर्स्ट पुट टू यूज किया, उस ईयर में आपको 20% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर एसेट को आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है तो उस केस में 10% इस साल और 10% अगले साल है वो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है, ना कि WDV पे। तो जो भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट रहेगी उस पे 10% इस साल में और 10% आपको अगले साल में मिल जाएगा। उसके बाद एक और चीज समझना, यहां पे अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, पावर जनरेटिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन की नहीं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 in the notified backward area of the Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and West Bengal, in the notified backward area of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal, तो वहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 20% की रेट से की जगह 35% हो जाएगा, और पुट टू यूज अगर लेस देन 180 डेज है तो उस केस में 17.5% इस साल एंड 17.5% आपको अगले साल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ 31 मार्च 2020 तक आपने असेट पुट टू यूज किया तो ही ये 35% वाला बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 in the notified backward area of the Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and West Bengal, तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की जगह 35% है वो मिल जाएगा। बट ये इस सेक्शन का, इस पर्टिकुलर पार्ट का ये लास्ट ईयर है, इसके बाद ये वाला पार्ट है वो अगले साल से हट जाएगा। एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है जो WDV सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप SLM सिस्टम फॉलो करते हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 43(1) इज द एक्चुअल कॉस्ट। सर किसी भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट में सीधी सी बात है असेट का परचेज प्राइस है वो ले लेंगे। उसके बाद में आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पे किया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो ऐड करेंगे। उसके बाद में उस आपका इंस्टॉलेशन का कुछ खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन खर्चा है वो ऐड करेंगे। अगर आपने ट्रायल रन के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया तो वो भी उसमें अपन ऐड कर देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी ऐड करेंगे या नहीं। एक चीज ध्यान रखना, अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, बट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो उस केस में इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने एसेट को लोन लेके खरीदा है तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा P&L के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो गवर्नमेंट से आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो उस केस में वो एक्चुअल कॉस्ट से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई एसेट को एक्वायर करते हो और सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो, in a single day to a single person if payment is made more than 10,000 to a single in a single day to a single person by mode other than account pay check, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system या any other notified mode, उनको छोड़ के अगर आप कैश में वगैरह पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा का in a single day to a single person, तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप 10,000 से ज्यादा का किसी को असेट से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो या इंस्टॉलेशन का वगैरह कुछ पेमेंट कर रहे हो in a single day to a single person, तो 10,000 से ज्यादा है तो वो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा। क्या क्या बोले मैंने, बोला अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है या एनी अदर मोड एज मे बी नोटिफाइड, उसी से आपको करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, सेक्शन 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन है, तो 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सिंपल है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई एसेट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, सिंपल सिंपल है, देखो पहले कोई एसेट है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, उसको आज आपने अपने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया। रेनबैक्सी क्या करती थी, एसेट को पहले लेबोरेटरी में यूज करती थी, लेबोरेटरी में रिसर्च कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस एसेट को उन्होंने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया। तो जब आप बिजनेस में यूज करना चालू करोगे तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, मैं बताऊं, एक्चुअल कॉस्ट वही रहेगा जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट था माइनस डिडक्शन आपने 35 में जो ले लिया। और मैं बताऊं 35 में आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, आप ब्लॉक में उस असेट को ऐड करोगे निल कॉस्ट से, आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे, निल लोगे। तो देखो अगर कोई असेट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी उसको आज आपने बिजनेस में ला लिया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको निल लेने का है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। ये बोलती है कि कोई भी तुम्हारी कैपिटल असेट में आप कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक इन ट्रेड, आपका स्टॉक इन ट्रेड था और स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया और वो कैपिटल असेट अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, जो कन्वर्जन के टाइम पे एफएमवी था वही तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड आई कैन टेक वन एग्जांपल, जैसे मुंबई में एक बिल्डर है जिसका नाम है कल्पतरू बिल्डर। कल्पतरू बिल्डर ने एक मान लो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया, उसमें एक यू कैन से दैट एक यूनिट है, वो यूनिट पहले स्टॉक इन ट्रेड थी, उन्होंने सोचा कि उसमें ही अपन अपना ऑफिस बना देते हैं। तो एक बात बताओ, पहले स्टॉक इन ट्रेड थी, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज उसको उन्होंने बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दिया। पहले वो P&L में था, अब सीधा उसको कहां पे बैलेंस शीट में लेके आ गए। तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन की एफएमवी पे पीजीबीपी में टैक्स लगा होगा, वही एफएमवी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द डेप्रिसिएशन, उसी से ब्लॉक में हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसेट है वो गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू प्रीवियस ओनर। तो देखो अगर मान लो कोई एसेट है वो मुझे गिफ्ट में मिल जाती है, विल में मिल जाती है, इनहेरिटेंस में मिल जाती है, तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो बेटा जिसने मुझे गिफ्ट दिया है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम, अगर उसको कोई डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ है तो वो लेस कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 2। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि अगर आप किसी एसेट को हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जो लॉस मेकिंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को हायर वैल्यू पे असेट सेल कर देते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी क्या करती है, हायर वैल्यू पे असेट को एक्वायर करती है, सिर्फ किस लिए पता है, जिससे कि एनहांस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिल जाए। तो उस केस में इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। तो देखो अगर आपने कोई असेट है वो एक्वायर की और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर की और आपका मेन इंटेंशन जो है वो मेन इंटेंशन हायर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेना है, इन दैट केस योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। और इस केस में ध्यान रखना असेसिंग ऑफिसर नॉर्मली जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है उसी को वो एक्चुअल कॉस्ट बना देता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलता है कि कोई एसेट आपकी थी, और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और बाद में आपने उसको रीएक्वायर कर दिया, मींस आपने ट्रांसफर कर दिया था बट आपने वापस उस एसेट को रीएक्वायर कर दिया, तो इस केस में रीएक्विजिशन के केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा पता है? जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम आपका WDV कितना था और रीएक्विजिशन कितने में किया, व्हिचएवर इज लोअर है दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। तो कोई एसेट मान लो मेरी थी, बीबी की एसेट थी, मैंने राम को बेची, राम ने लक्ष्मण को बेची, लक्ष्मण ने सीता को बेची, सीता ने मान लो हनुमान को बेची, हनुमान ने मान लो किसी और को बेची, ठीक है, और उसने मुझे बेच दी। तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जब मैंने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम मेरे लिए WDV क्या थी और मैंने जो रीएक्वायर किया उस टाइम पे वैल्यू क्या है, व्हिचएवर इज लोअर है वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि अगर आपने किसी से एसेट एक्वायर की, आपने किसी से एसेट एक्वायर की और सेम पर्सन को वापस लीज बैक कर दी, आपने किसी से एसेट एक्वायर की और आपने सेम पर्सन को लीज बैक कर दी, तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है? सेलर का WDV। तो मैंने मान लो किसी कंपनी से एसेट एक्वायर की और उसी कंपनी को वापस से लीज बैक कर दिया, तो जो सेलर है वो कंपनी, उसका जो WDV था एट द टाइम ऑफ सेल वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ए। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है जो पहले आप किसी अदर पर्पज के लिए यूज करते थे, हो सकता है रेसिडेंस पर्पज या किसी और पर्पज के लिए यूज करते थे, लेकिन आज आप क्या करते हो, उसको अपने बिजनेस में यूज करते हो, बिजनेस में लेके आते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से आप एक काम करो, नोशनल डेप्रिसिएशन इतने सालों का लेस कर दो जितने साल आपने बिजनेस में यूज नहीं की, और जो भी बचेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैंने एक बिल्डिंग है वो मान लो आज से 10 इयर्स अगो खरीदा था 1 करोड़ में, जो मैं किसी अदर पर्पज के लिए मान लो रेंट वगैरह पे देता था, बिजनेस में यूज नहीं करता था। आज में आफ्टर 10 इयर्स वो बिल्डिंग को मैंने बिजनेस में यूज करना चालू किया और वो बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ में से 10 ईयर का नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, और नोशनल डेप्रिसिएशन आज की डेप्रिसिएशन रेट से, आज बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो आज की रेट से मैं क्या करूंगा, नोशनल डेप्रिसिएशन इतने सालों का लेस करूंगा, और लेस करने के बाद जो भी बचेगा दैट विल बी माय एक्चुअल कॉस्ट, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ बिल्डिंग की बात करती है। अगर कोई कार होती और आपने 10 साल पहले कार खरीदी थी 1 करोड़ में, आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया था, आज बिजनेस में लेके आ गए, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 1 करोड़ ही रहेगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्या बोलती है? 6 है 7 एंड 7A है, ये तीनों सिमिलर एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई एसेट है वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, मींस होल्डिंग कंपनी है वो 100% सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, या फिर अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, तो उस केस में सर एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी नए वाले के लिए? तो नए वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट वही होगी जो पुराने वाले का WDV है, तो जो पुराने वाले का WDV है वही वाला WDV नए वाले के लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो, अगर मान लो होल्डिंग कंपनी है वो 100% सब्सिडियरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडियरी होल्डिंग को करती है, या अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, तो उस केस में एक चीज ध्यान रखना कि भैया जो भी नया वाला है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? पुराने वाले का जो WDV है वही एक्चुअल कॉस्ट लिया जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसका ओपनिंग WDV अमलगमेटेड कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, लेकिन डीमर्जर के केस में जिस दिन डीमर्जर होता है, जिस दिन डीमर्जर होता है उस दिन जो WDV आती है वो नए वाले जो रिजल्टिंग कंपनी है उसका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 8 ये बोलती है कि अगर आपने लोन लेके एसेट एक्वायर की तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करना है, उसके बाद का इंटरेस्ट P&L के डेबिट में जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 9 ये बोलती है कि जो भी आपने टैक्सेस ड्यूटीज एक्साइज वगैरह पे किया है उसका अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट मिलता है तो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, नहीं मिलता तो जोड़ोगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 10 ये बोलती है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी है वो आपको एक्चुअल कॉस्ट से लेस करना है। अब एक चीज समझना, अगर कोई डायरेक्टली असेट से रिलेटेड सब्सिडी है तो असेट की कॉस्ट से डायरेक्टली लेस कर दो, लेकिन बहुत बार क्या होता है प्रोजेक्ट रिलेटेड सब्सिडी मिलती है, जैसे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बनाया तो 30 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा, तो मैंने कोई एसेट है वो 10 लाख में खरीदी तो उसमें 3 लाख है वो प्रोपोर्शनेट सब्सिडी आ जाएगा और मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो 7 लाख हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 11 है वो सिर्फ एंड सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है कि नॉन रेजिडेंट ने अगर इंडिया के बाहर कोई एसेट एक्वायर की थी, कोई नॉन रेजिडेंट है उसने इंडिया के बाहर एसेट एक्वायर की थी, इंडिया के बाहर उसको यूज करता था, उसने आज क्या कर दिया, उसको इंडिया में बिजनेस में लाया और इंडियन बिजनेस में उसको यूज करना चालू कर दिया, तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जितने में उसने खरीदा था और वहां से लेकर अब तक जब उसने इंडिया के बिजनेस में यूज करना चालू किया तब तक जितना डेप्रीशिएशन अगर उसको इंडिया के बिजनेस में यूज करते और जितना डेप्रीशिएशन अलाउ होता उतना हम लेस कर देंगे। इन सिंपल वर्ड, यहां नोशनल डेप्रीशिएशन आप लेस कर दोगे और जो भी बचेगा वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे BSC NSC वगैरह वो पहले AOP BOI हुआ करते थे, अब कंपनी बन गए, तो उस केस में सर कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो जो AOP BOI का WDV था वही कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज एक्सप्लेनेशन नंबर 13। एक्सप्लेनेशन नंबर 13 ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी एसेट है जिस पे आपने 35AD का डिडक्शन ले लिया, आपने 35AD का डिडक्शन ले लिया, 35AD वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग, हॉस्पिटल, होटल वो वाला, तो उसमें अगर आप 100% डिडक्शन ले लेते हो तो वही असेट किसी और को गिफ्ट कर देते हो, किसी और को गिफ्ट कर देते हो, जैसे सेक्शन 47 में जो आता है गिफ्ट है, विल है, इनहेरिटेंस है, उसमें करके, ठीक है, या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, अमलगमेशन, डीमर्जर, तो उसमें टैक्स नहीं लगता। तो क्वेश्चन ही आता है आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? मैं बोलूं आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट निल ही रहेगी, आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? निल। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट है जो आपके बिजनेस में यूज होती है लेकिन आपके बिजनेस का इनकम पार्टली एग्रीकल्चर है पार्टली बिजनेस है, कौन से केस में? टी, कॉफी, रबर, याद है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द टी, कॉफी, रबर उसमें 40-60 होता है, 35-75 होता है, 35-65 होता है, 25-75 होता है। उसमें एक चीज समझना, कोई भी असेट पे आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही तुम्हारा बिजनेस इनकम है, आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है। और एक चीज समझना, जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आप पीएनएल के डेबिट में डालोगे, और जितना पीएनएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन डाला उतना ही आपको ब्लॉक से लेस करना है, उतना ही आपको ब्लॉक है वो ब्लॉक से आपको लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के केस में, अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग जो है जो एसएलएम मेथड फॉलो करती है तो क्या होगा असेट को बेचने पे? देखो डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करती है तो वो ब्लॉक का पार्ट बनेगा, वो पार्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक अपन ने अभी देखा थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर मान लो आप एसएलएम मेथड फॉलो करते हो तो उस केस में आप असेट को सेल कर देते हो, क्या होगा? डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया तो जितना भी लॉस होगा उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाएगा पीएनएल के डेबिट में। तो डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया पीएनएल के डेबिट में टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पैसा आया लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपका बैलेंसिंग चार्ज पीएनएल के क्रेडिट में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है, आपको कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो सीधा कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50A में। तो जैसे मान लो कोई एसेट है जिसको आपने 100 में खरीदा था, आज डब्ल्यूडीवी है वो 80 है, आप अगर उसको 70 में बेच देते हो 10 का लॉस हुआ सीधा पीएनएल के डेबिट में, अगर आप 90 में बेच देते हो 10 का प्रॉफिट हुआ पीएनएल के क्रेडिट में, अगर आप उसको 130 में बेच देते हो तो 30 तो कैपिटल गेन होगा और जो 20 है वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है वो आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलता है वो क्या होता है? मैं बता दूं, गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑलवेज टैक्सेबल, जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है ना दैट इज द ऑलवेज टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला या फिर कैश इंसेंटिव मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला या वेवर ऑफ लोन वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला तो बेटा ये अभी टैक्सेबल है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ग्रांट इज टैक्सेबल, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला तो अगर असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाता है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 10 ऑफ सेक्शन 43(1)। तो अगर कोई असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो एक्चुअल कॉस्ट से लेस होगा, लेकिन बाकी वाला गवर्नमेंट ग्रांट है दैट विल बी टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट बनाया और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट देती है एज अ कॉर्पस फंड, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आज की डेट में आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, कैश इंसेंटिव मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वेवर मिलता है, दैट इज द ऑलवेज टैक्सेबल। बट इसके दो एक्सेप्शन है। पहला, अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसी असेट से रिलेटेड है तो वो टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा। और दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एज अ कॉर्पस कोई ग्रांट मिलता है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। एक और चीज समझना, जो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कोई भी आपको ग्रांट सब्सिडी वगैरह मिलता है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो गैस पे सब्सिडी मिलता है करके, या किसान की अगर फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस पे कोई भी सब्सिडी मिलता है, तो उस केस में मैं बता दूं ये तुम्हारा इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए सब्सिडी है, ये टैक्सेबल नहीं होता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपने किसी बैंक से वगैरह लोन ले रखा था और वो लोन वेव ऑफ हो जाता है, बैंक से लोन ले रखा था और वो लोन असेट एक्वायर करने के लिए लिया था तो असेट की एक्चुअल कॉस्ट तो पूरी ली थी, लेकिन लोन का वेवर हो जाता है तो उस केस में वो असेट की डब्ल्यूडीवी से लेस करेंगे। मैंने मान लो 10 करोड़ का असेट खरीदा, 5 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का असेट खरीदा, 5 करोड़ का लोन लिया, वो लोन वेव ऑफ हो गया, असेट से रिलेटेड था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी रहेगी उससे लेस करेंगे। ऐसा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस लॉ में बोला हुआ था। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई असेट है वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी डेप्रिसिएशन है उस असेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो जितना बिजनेस प्रोफेशन यूज हो रहा है उतने ही अलाउ होंगे, जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उतने खर्चे अलाउ नहीं होंगे। लेकिन एक चीज समझना, जितना अलाउ होता है उतना ही डेप्रिसिएशन आपके ब्लॉक में से लेस होगा। जैसे सपोज डेप्रिसिएशन वाज 1 लाख लेकिन अलाउ हुआ 60,000, तो आपके ब्लॉक में से लेस भी बेटा 60,000 डेप्रिसिएशन ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 32AD। 32AD ये बोलती है कि अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस से रिलेटेड ये सेक्शन बोलती है, ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया कहां पे, ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और वहां पे आप न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करते हो तो आपको 15% की रेट से सीधा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये एक्वायर्ड और इंस्टॉल कब तक करना है? 31 मार्च 2020 तक। ये जो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1920, ये लास्ट ईयर है इस सेक्शन का। तो देखो मैंने क्या बोला, कोई भी एसएससी हो, एनी पर्सन का, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कोई भी हो, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और वहां पे आप न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करते हो टिल 31 मार्च 2020, तो जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड और इंस्टॉल किया उसका जो भी एक्चुअल कॉस्ट रहेगा उसका 15% है वो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर एक्वायर इस साल किया, इंस्टॉल किसी और साल में किया, तो जिस ईयर में इंस्टॉल करोगे उस ईयर में आपको 15% की रेट से इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, इंस्टॉल 31 मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सर जब आप न्यू प्लांटेड मशीनरी की बात कर रहे हो, न्यू प्लांटेड मशीनरी का मतलब क्या? सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, ऑफिस में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में जो भी जिसपे आपको 100% डिडक्शन मिलता है वो नहीं होनी चाहिए, शिप, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल्स है, वो सब नहीं होने चाहिए। अब एक और चीज समझना, सर इन पे तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, वो मिलेगा यानी आंसर इज यस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो उससे भी एक्स्ट्रा है। एक और चीज समझना, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक से लेस भी होता है, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा, ब्लॉक जो है वो ब्लॉक से भी आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस लेते हो तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना, 5 साल तक, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन की डेट से 5 साल तक आपको उस प्लांटेड मशीनरी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर किया तो जितना इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपने पहले लिया था वो वापस से आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, अमलगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ, या फिर तुम्हारा सक्सेशन हुआ जो सेक्शन 47 में बोला हुआ है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे सर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कैसा रहता है, लेस देन 180 डेज का पुट टू यूज है तो हाफ रेट से मिलता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी हाफ रेट से मिलेगा? आंसर इज नो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको फुल रेट से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको फुल रेट से मिलेगा, मींस इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको पूरा 15% से मिल जाएगा। और मैं बता दूं यहाँ तो पुट टू यूज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एक्वायर्ड और इंस्टॉल करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो 15% की रेट से मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 33 AB और ABA। अब एक बात समझना, 33 AB ये बोलती है सबसे पहले एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी एसएससी चलेगा अगर मान लो वो एंगेज्ड इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर। तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर में हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 33 ABA में। लेकिन अगर आप एंगेज्ड हो इन द बिजनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल्स, मतलब नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इन इंडिया, अगर इंडिया में नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के किसमें, या तो आप एक्सट्रैक्शन में, प्रोस्पेक्टेशन या प्रोडक्शन में एंगेज्ड हो तो आपको 33 ABA में डिडक्शन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, 33 AB में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो करना क्या है? 33 AB में डिडक्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर, या फिर अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, जो व्हिचएवर इज अर्लियर रहेगा, उस टाइम तक आपको नाबार्ड में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। और उस केस में 33 ABA में क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर के एंड से पहले पहले मींस टिल 31 मार्च 2020 तक आपको क्या करना पड़ेगा? SBI में एक साइट रेस्टोरेशन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? तो डिडक्शन 33 AB में कितना मिलेगा और ABA में कितना मिलेगा? तो 33 AB में आपको कितना मिलेगा? जो भी आपका बिजनेस का इनकम है, मींस इस एक्टिविटी से, टी, कॉफी और रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग की एक्टिविटी से जो भी तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आएगा उसका आपको 40%, या आपने जितना डिपॉजिट करवाया व्हिचएवर इज लोअर, और उसके इसमें कितना 20% ऑफ द पीजीबीपी, और जितना आपने डिपॉजिट करवाया व्हिचएवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी पैसा आप जमा करवाते हो साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में या फिर नाबार्ड में, उसको यूज कैसे करना है? जो नाबार्ड में आपको जमा करवाया उस पैसे को आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड। तो टी, कॉफी, रबर बोर्ड ने बोला है कि यहां पे आप यूटिलाइज करो तो वहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड बेटा जो भी आपने साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया उसको आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द प्रिस्क्राइब मोड या प्रिस्क्राइब पर्पस स्पेसिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने उस पैसे को मिस यूटिलाइज कर दिया तो जिस ईयर में आप मिस यूटिलाइज करोगे उस ईयर में जो आपने पहले डिडक्शन लिया था वो वापस से आपका विथड्रॉ हो जाएगा। तो देखो बेटा दोनों में फर्क क्या? सबसे पहले 33 AB और ABA की अगर मैं बात करूं, 33 AB कब मिलता है? जब आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर में हो। और वो कब मिलता है? जब आप एंगेज्ड हो इन द प्रोस्पेक्टेशन, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इन इंडिया। इसमें क्या करना है, आपको डिपॉजिट करवाना है नाबार्ड में। कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर, लेकिन उसमें एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? 40% ऑफ पीजीबीपी, उधर 20% ऑफ द पीजीबीपी और अमाउंट डिपोजिटेड विच एवर इज लोअर। जो भी है पैसा उसको आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द टी कॉफी एंड रबर बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब यूज बोला है उसके हिसाब से, और वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। अगर उस पैसे को आपने मिस यूटिलाइज किया तो जिस ईयर में आप उसको मिस यूटिलाइज करोगे उस ईयर में वो वापस से आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं टी की बात करूं, जैसे आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में थे, तो सर अगर विड्रॉ होगा तो टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 100% या 40%? राइट आंसर इज 40%, क्योंकि आपका जो इनकम होता है वो 40% इस बिजनेस का इनकम होता है, तो जब भी विड्रॉ होगा तो उस केस में भी आपका 40% ही टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो पैसा आप विड्रॉ करते हो नाबार्ड से या सेट रेस्टोरेशन अकाउंट से, आपको उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा। अगर उस ईयर में आपने यूज नहीं किया तो उस ईयर में जितना भी अनयूज्ड अमाउंट है वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम है वो बन जाएगा। जैसे मान लो 10 लाख आपने विड्रॉ किया और उसमें से आपने 7 लाख यूज कर लिया, 3 लाख यूज नहीं किया टिल 31 मार्च 2020 तक, मतलब सपोज इस साल में आपने विड्रॉ किया, तो जिस ईयर में विड्रॉ करोगे उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड के लिए। अगर आपने नहीं किया तो वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, उसको आप यूज कर सकते हो जो भी मोड्स दे रखे, प्रिस्क्राइब पर्पस दे रखे उसके लिए, लेकिन एक चीज समझना, 3 चीजों के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक तो आप उससे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसा नहीं खरीद सकते जो ऑफिस प्रीमाइसेस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है, या फिर कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते, लेकिन कंप्यूटर खरीदोगे तो चलेगा, कंप्यूटर अलाउ है। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी आप एक्वायर नहीं कर सकते जिसपे ऑलरेडी आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। अब एक और चीज समझना है यहाँ पे कि जो भी आपने पैसा यूज किया और वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ध्यान रखना आपको वो रेवेन्यू खर्चे का आप डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, जब मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया था डिडक्शन ले लिया था, उसमें से विड्रॉ करके मैंने आपने सही पर्पस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्सपेंडिचर को क्या मैं पीएनएल के डेबिट में डाल सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं डाल सकते। लेकिन एक और चीज समझना, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो क्या उस पर डेप्रीशिएशन अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस, उस पर डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, आपने सही यूज किया और अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर किया तो ध्यान रखना वो प्लांट एंड मशीनरी जो है, वो जो असेट है, वो असेट आप 8 इयर्स तक सेल नहीं कर सकते। 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ द ईयर, 8 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन व्हिच असेट वाज एक्वायर्ड। तो जो असेट आपने एक्वायर्ड की और वो सही पर्पस जो बोला था पर्पस उसके लिए वो असेट आपने एक्वायर की, तो जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उस ईयर के एंड से 8 इयर्स तक उसको आप बेच नहीं सकते। अगर आप 8 ईयर्स में आप उस असेट को बेच देते हो तो उस पे बेचोगे तो कैपिटल गेन वगैरह होगा, वो तो होगा ही होगा। जिस ईयर में आप सेल करोगे जो पहले आपने डिडक्शन लिया था 33 एबी में करके, ठीक है, या 33 एबीए में, वो वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो वो पैसा आप विड्रॉ कर लेते हो, आप जो है वो पैसा आप क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो 33 एबी वाला, तो 33 एबीए बोलती है कि अगर आपने क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोज हो गया तब आपने विड्रॉ किया, या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है तब आपने विड्रॉ किया तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। लेकिन किसी एसएससी की डेथ के टाइम पे विड्रॉ होता है, या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के टाइम पे विड्रॉ होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे विड्रॉ होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो, टी कॉफी रबर जो भी है उसमें नाबार्ड में जो पैसा डाला था वो विड्रॉ करते हो। अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ये आपके हाथ में होता है और उस टाइम पे अगर आप विड्रॉ करते हो देन इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट सेक्शन इज 35। 35 इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात समझना, साइंटिफिक रिसर्च पे आप जो खर्चा करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा? मेरी तरफ देखो, आप उसको बुक में देखने की जरूरत नहीं, एक बार मेरी तरफ देखो। देखो दो पार्ट, सबसे पहला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। एक काम करते हैं अपन, इस पार्ट को अपन सेक्शन 35 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट 1 इज इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब होता है सेल्फ स्पेंडिंग, मींस आप अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हो तो उसमें 2 पार्ट। सबसे पहला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू पे 100%, कैपिटल पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100%। बट रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो क्या उस पे भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। बिजनेस कमेंस करने से पहले कोई रिसर्च का खर्चा करोगे उस पे भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जिस डेट को आपने बिजनेस कमेंस किया उसके पिछले के मैक्सिमम 3 इयर्स का डिडक्शन है, 3 इयर्स के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल और सैलरी पे 100% डिडक्शन मिलेगा, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे। तो देखो, बिजनेस कमेंस से पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया तो रेवेन्यू में मटेरियल एंड सैलरी, सैलरी में भी परक्यूजिट को छोड़ के उस पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल में बेटा लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप जो रिसर्च करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी कर रहे हो, लेकिन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, पहला अगर एसएससी कंपनी है, दूसरा उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड रिसर्च अप्रूव्ड है। मैंने क्या बोला, अगर एसएससी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में है, कंपनी है एंड रिसर्च अप्रूव्ड है, तो उस केस में आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर आपको 100% की जगह 150% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के। अब एक बात बताओ, लैंड पे तो ऐसे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जो बिल्डिंग है बिल्डिंग पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, जो पहले बात की थी उसके हिसाब से। तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो दो पार्ट, एक रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर मैं बिफोर की बात करूं तो बिफोर में ऐसे याद रखो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो भी आपका रिसर्च का खर्चा है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल एंड सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी एक्सक्लूड परक्यूजिट 100% डिडक्शन, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी कर रहे हो, डिडक्शन मिलेगा रेवेन्यू पे 100%, कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100%, लेकिन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, कौन कौन सी, सबसे पहला एसएससी कंपनी होनी चाहिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शेड्यूल 11 के आइटम्स को छोड़ के, 11 शेड्यूल के आइटम है उसको छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस या फिर उसके साथ साथ में रिसर्च अप्रूव्ड होता है, तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड पे तो ऐसे भी डिडक्शन नहीं मिलता, बट बिल्डिंग पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा ड्यू टू सेक्शन 35(1)(4) की वजह से। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। आप अगर किसी आउटसाइडर को डोनेशन देते हो तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा 35 में? आंसर इज यस। सबसे पहले आपको यह देखना है डोनेशन किसको दे रहे हो। अगर आप डोनेशन देते हो टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को, टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, राहुल आईसीयू का मतलब क्या था, राहुल का मतलब रिसर्च एसोसिएशन, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, सी का मतलब कॉलेज और यू का मतलब यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलेगा 150%, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया डिडक्शन मिलेगा 100%, अगर आपने आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलेगा 150%, और किसी इंडियन कंपनी को जो कि अप्रूव्ड है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया तो आपको 100% की रेट से डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कभी भी असेट खरीदी और उसमें लैंड बिल्डिंग दोनों है तो आपको लैंड की और बिल्डिंग की वैल्यू को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इन हाउस रिसर्च के केस में लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता, बट बिल्डिंग जो होती है बिल्डिंग पे आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो ये पहला वाला पार्ट था ना राहुल आईसीयू वाला, इसमें एक चीज समझना कि जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव्ड था, लेकिन उसके बाद में उसकी अप्रूवल विथड्रॉ हो गई तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? यानी आंसर इज यस, आपको डिडक्शन मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना है, जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 35 ABV। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अगर आप एक्वायर करते हो तो उस पर जो भी खर्चा करोगे उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? तो उसका डिडक्शन अमोर्टाइज होगा ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस का जितना लाइफ है उसमें अमोर्टाइज होगा। अब एक और चीज समझना, तो अगर मान लो आप कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस एक्वायर करते हो तो उसका जो भी खर्चा है वो अमोर्टाइज कैसे करोगे? दो पार्ट, सबसे पहले लाइसेंस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस भी चल रहा है लाइसेंस ले लिया, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन व्हिच पेमेंट इज मेड टिल द ईयर इन व्हिच लाइसेंस विल एक्सपायर। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा और जिस ईयर में आपने का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, मींस बिजनेस है ही नहीं और आपने लाइसेंस ले लिया और पेमेंट भी कर दिया, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन व्हिच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन व्हिच लाइसेंस विल एक्सपायर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस। तो देखो दो पार्ट, लाइसेंस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, पेमेंट वाले ईयर से डिडक्शन मिलेगा टिल द ईयर इन व्हिच लाइसेंस विल एक्सपायर। बट इफ लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन व्हिच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन व्हिच लाइसेंस विल एक्सपायर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मिड ऑफ द ईयर लाइसेंस लिया और पेमेंट किया तो यहाँ पे 10 ईयर्स की जगह 11 ईयर्स हो जाता था, ऐसा मैंने आपको वहाँ पे बताया था, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, लाइसेंस को जब आप सेल करते हो तो उस केस में क्या होगा? तो सेल करने के केस में सेम जैसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज वाला जो पार्ट था वैसा का वैसा यहां पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 35 एबीए। एबीए क्या बोलती है कि अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया, देखो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया तो 35 एबीबी लगेगा, बट अगर आपने मान लो स्पेक्ट्रम लिया जो नेट का सर्विस 4G 5G वाले अगर स्पेक्ट्रम लिए तो उस केस में 35 एबीए सेक्शन लगेगी। और 35 एबीए ये बोलती है कि भैया जो प्रोविजन 35 एबीबी में थे वैसे के वैसे प्रोविजन 35 एबीए में भी रहेंगे। एक और चीज समझना, जब आपको यहां टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस या स्पेक्ट्रम है उस पे ये स्पेसिफिक डिडक्शन का मेथड दे रखा है अमोर्टाइजेशन का, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? आंसर इज नो, आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। जब आपको स्पेसिफिक तरीके से अमोर्टाइजेशन दे रखा तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 सीसीसी। 35 CCC and 35 CCD. CCC is related to the agriculture extension project. CCD is related to the skill development project. तो अगर आप agriculture extension project पे खर्चा करते हो आपको डिडक्शन मिलेगा 150% on all revenue and capital expenditure. And skill development पे अगर आप खर्चा करते हो तो 35 CCD में आपको डिडक्शन मिलेगा 150% on all revenue and capital expenditure. 150% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ 35 CCC जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो ऑल एसएससी के लिए है, लेकिन 35 सीसीडी जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका किसके कंपनीज के लिए है। तो देखो मैं दो सेक्शन में बोलूं 35 सीसीसी और सीसीडी, पहला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दोनों में 150% डिडक्शन ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, दोनों में एक्सेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज समझना बेटा, दोनों में 150% है, वो 150% का आपको डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा इन फ्यूचर, अगले साल से ये 100% हो जाएगा, बट अभी तक आपके लिए 150% डिडक्शन है। एक और चीज ध्यान रखना, पहली वाली जो सेक्शन है वो ऑल एसएससी के लिए, दूसरी वाली सेक्शन है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है। नेक्स्ट सेक्शन इज 35D इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जब आप बिजनेस कमेंस करते हो, बिजनेस का एक्सटेंशन करते हो या नया यूनिट सेटअप करते हो, उस टाइम जो खर्चे करते हो दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई, मार्केट सर्वे करवाया, इंजीनियरिंग सर्विस, एमओए एओ का ड्राफ्टिंग का प्रिंटिंग का खर्चा है, लीगल चार्जेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द शेयर एंड डिवेंचर इशू से एक्सपेंडिचर है, या और भी कोई खर्चा है वो नोटिफाइड करती है सीबीडीटी, वो तुम्हारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। एक और चीज समझना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो खर्चा आपने या तो बिजनेस को कमेंस करते टाइम, या बिजनेस का एक्सटेंशन करते टाइम, या नया यूनिट सेटअप करते टाइम। एक चीज ध्यान रखना, ये तीन टाइम पे किया है तो ही वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। एक बात बताओ, आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए शेयर इशू किया तो उस टाइम पे जो भी खर्चा हुआ क्या वो प्रिलिमिनरी होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे ना तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ना एक्सटेंशन हो रहा है, ना नया यूनिट सेटअप हो रहा है। अब एक और चीज समझना, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन आपको किसको मिलेगा? पहली चीज तो मैं बता दूं सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? जितना आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, व्हिचएवर इज लोअर, वॉटेवर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। और जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है वो एक साथ में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है तो यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो। अगर इंडियन कंपनी है तो यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो ज्यादा रहेगा उसका अपन 5% और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर आएगा वो अपन लेंगे, और वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ है, वो अलाउ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपने नया बिजनेस चालू किया है या आपके बिजनेस का जो एक्सटेंशन किया है, नया यूनिट सेटअप किया, उसके फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिक्स एसेट में जितना पैसा लगा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान रखना जो भी तुम्हारा शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वही तुम्हारे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस या सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। बर्जर पेंट्स का केस लॉ भी है और उसमें बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है। अगर मान लो यहाँ पे जब आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेते हो तो पहले साल आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 35 डीडी इज रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस। अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस करते हो तो उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। अब एक और चीज समझना, ये डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो खर्चा करता है, जैसे अमलगमेटिंग कंपनी ने किया तो अमलगमेटिंग कंपनी को, अमलगमेटेड कंपनी ने किया तो अमलगमेटेड कंपनी को, डीमर्ज कंपनी ने किया तो डीमर्ज कंपनी को, रिजल्टिंग कंपनी ने किया तो रिजल्टिंग कंपनी को। अब एक चीज चीज समझना, यहाँ पे अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंडिचर, अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नई कंपनी को खर्चा करना चाहिए जिसके 5 इंस्टॉलमेंट मिल जाए, क्योंकि पुरानी कंपनी ने खर्चा किया तो 1 इंस्टॉलमेंट तो ले लेंगे लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट है वो लैप्स हो जाएगी। इसके लिए अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नई कंपनी है उसी को खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 DDA। 35 DDA इज रिलेटेड टू वीआरएस का खर्चा। वीआरएस के खर्चे का डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे हमने जो 3 सेक्शन पढ़ी उसमें सबसे पहला जो 35D वाला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी ने किया और वहां पे अमलगमेशन डीमर्जर हो गया तो बेटा रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में से जैसे 2 इंस्टॉलमेंट डिडक्शन ले लिया था, तीसरे साल अमलगमेशन हो गया तो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट है वो अमलगमेशन डीमर्जर के केस में न्यू कंपनी को मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, वीआरएस के केस में जो 35 DDA सेक्शन है, 35 DDA के केस में भी, वीआरएस के केस में भी अगर अमलगमेशन डीमर्जर या सक्सेशन होता है, यहां वीआरएस के केस में सक्सेशन भी बोला हुआ है, सक्सेशन मींस कंपनी से मतलब जो छोटी कंपनी से क्या या एलएलपी बन जाती है या प्रोपराइटर पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन जाती है तो उस केस में जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसका नए पर्सन को डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज द 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। अब एक बात समझना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस ये सेक्शन ये बोलती है कि टोटल 14 बिजनेस ऐसे जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगा। देखो रेवेन्यू पे 100% डिडक्शन पहले से मिलता है लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सर ये कौन कौन से 14 बिजनेस है? सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आपका कोल्ड चेन फैसिलिटी है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए तो वहां पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। दूसरा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन या फिर होटल है वो आपका 2 स्टार और अबोव कैटेगरी है। हॉस्पिटल 100 बेड्स और 100 और मोर बेड्स वाला है। हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट या हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस, कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एज पर द कस्टम एक्ट या फिर वेयरहाउसिंग फॉर सुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये टोटल आपके 14 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या 100% डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। 3 को छोड़ के जो भी तुम्हारा लैंड है, गुडविल है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड पे जो खर्चा किया, गुडविल पे जो खर्चा किया एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो खर्चा किया उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एक और चीज समझना, बिजनेस कमेंस करने से पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया उस पर भी डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज यस। तो बिजनेस कमेंस करने से पहले के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी आपको 100% डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, ये जो भी बिजनेस है ये न्यू होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन होए, पुराने बिजनेस है वो पुराने बिजनेस का अगर रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट अप ऐसा नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। एक और चीज समझना, यहां पर जो भी प्लांटेड मशीनरी यूज होगी वो प्लांटेड मशीनरी आपकी न्यू होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टोटल प्लांटेड मशीनरी का 20% तक सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी चल सकता है। एक और चीज समझना, इंडिया के बाहर से जो प्लांटेड मशीनरी आप इंपोर्ट करोगे जिस पे इंडिया में कभी डेप्रिसिएशन या इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो जो इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी है वो न्यू ही मानी जाएगी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब एक और चीज समझना, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला बिजनेस है ना, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अदर कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस वाला पाइपलाइन का बिजनेस है वो सिर्फ इंडियन कंपनी और द कंसोर्टियम ऑफ द इंडियन कंपनी है वही कर सकता है वो बिजनेस। मींस इंडियन कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी है वही लोग वो ये बिजनेस कर सकते हैं। एक और चीज समझना, वो बिजनेस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जितना पाइपलाइन बोलेंगे वो दूसरों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा। दे विल से दैट कि इतना पाइपलाइन आप दूसरों को यूज करने के लिए दो, तो दूसरों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज समझना, यहां 35AD में ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलता है लेकिन 10,000 से ज्यादा का अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप पेमेंट करते हो तो वो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड है उसी से आपको पेमेंट करना है। अगर आपने कैश में वगैरह किया तो उसका आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जब आपको 35AD में डिडक्शन मिलता है तो क्या आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? आंसर इज नो। एक और चीज समझना, 35AD में जो डिडक्शन लेते हो वो असेट को आप जब भी बेचोगे, इवन आफ्टर लाइक यू नो दैट 20 इयर्स जो भी सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। कॉस्ट से ज्यादा है, कॉस्ट से कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सेलिंग प्राइस है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। सेक्शन 28 में टैक्सेबल है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है ना वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो भी बच जाता है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, 100 साल तक भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड ईयर्स तक आप स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। अब एक और चीज समझना, स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जो दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस है उसमें 35AD का डिडक्शन मिलता है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मान लो मेरे पास दो होटल है, एक होटल 20 साल पहले स्टार्ट किया था जो 35AD में नहीं आता, एक होटल आज स्टार्ट किया, दोनों 2 स्टार और अबोव है। अब एक चीज समझना, जो अभी स्टार्ट किया वो 35AD में डिडक्शन मिलता है, उसका जो लॉस है वो पुराने वाली जो होटल है क्या उसके प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस कर सकते हैं, क्योंकि पुराना वाला जो होटल है वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है, उस पे 35AD का डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में तो आएगा, उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जब आप 35AD में डिडक्शन लेते हो तो आप 10AA या ATIA, ATIB, ATIC, ATID जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है, आप डबल डिडक्शन नहीं ले सकते। एक और चीज समझना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस जो भी है ये सिर्फ एसएससी खुद ही बिजनेस कंडक्ट करेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, होटल के केस में आपने ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होटल के केस में आपने ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो भी चलेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर यहां पे एक चीज समझना, जो असेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर करते हो उस असेट को आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते विद इन 8 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन। मतलब जिस ईयर में आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर किया उस ईयर से 8 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हो, दूसरे किसी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरा एक होटल भी है, मेरा कोचिंग क्लास भी है, तो होटल जो है वो होटल में मैंने कोई AC खरीदा तो वो होटल में ही मुझे यूज करना पड़ेगा, जिस ईयर में एक्वायर किया उस ईयर से 8 ईयर्स तक आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में ही उसको यूज करना पड़ेगा, आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उसको नहीं ट्रांसफर कर सकते। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना चालू किया तो उस केस में जितना डिडक्शन आपने पहले लिया था माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35AD इज नॉट देयर, अगर 35AD नहीं होता तो डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होता वो लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो तुम्हारा PGBP का इनकम बन जाएगा। और एक चीज समझना, अब आपके कोचिंग क्लास के ब्लॉक में एसेट की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कोचिंग क्लास में असेट की वैल्यू को कौन सी वैल्यू से ऐड करेंगे पता है, जितने पे वो असेट खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ असेट वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोचिंग क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, मतलब जब आपने असेट खरीदा था तब से अगर वो कोचिंग क्लास के लिए ही यूज होता तो कितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता वो लेस कर दो, जो भी बचेगा वो कोचिंग क्लास के लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, मैंने बोला अगर कोई भी असेट है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की जाती है तो फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन 8 ईयर्स तक आप उसको किसी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में 8 ईयर्स में ट्रांसफर किया तो स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होगा, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था जितने का आपने डिडक्शन लिया था, बेसिकली डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35AD इज नॉट क्लेम, जो बचेगा वो तुम्हारे लिए PGBP का इनकम बन जाएगा। और कोचिंग क्लास बिजनेस के लिए आप क्या करोगे, उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट है उसको ब्लॉक में जोड़ोगे, ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से जोड़ोगे तो जितने में आपने खरीदा था वो कॉस्ट ले लो, और अगर स्टार्टिंग से ही कोचिंग क्लास के लिए उस असेट को यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन लेस होता वो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट विल बी एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द कोचिंग क्लास। उसके बाद सेक्शन 35E है वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट सेक्शन इज 36 ये बोलती है कि कुछ आपको खर्चों के डिडक्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया, क्या प्रीमियम अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस। तो अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड है उसका इंश्योरेंस करवाया तो आपको प्रीमियम अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझना, आपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपके एम्प्लॉइज है उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा यानी आंसर इज यस हो जाएगा। लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश को छोड़ के दूसरे मोड से आपको प्रीमियम है वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आपने अगर मान लो एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन पे किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा यानी आंसर इज यस। तो आप अगर अपने एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे बोनस एक्ट से ज्यादा पे किया तो भी डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना, एक सेक्शन 43B टांग अड़ाती है, वो ये बोलती है कि बोनस एंड कमीशन एम्प्लॉय को पे करते हो वो अलाउ तो होगा लेकिन इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने पे कर दिया तो ही आपको अलाउ होगा, अदरवाइज इस साल में अलाउ नहीं होगा ड्यू टू द सेक्शन 43B। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन लिया और उसका इंटरेस्ट है क्या अलाउ होगा यानी आंसर इज यस। अब एक चीज समझना, आपने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। उसमें दो पार्ट, अब एक चीज समझना, लोन अगर आपने जो लिया है वो शेड्यूल बैंक से लिया है या फिर PFI से लिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है या NBFC से लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ होता है। लेकिन वहां पे 43B टांग अड़ाती है और 43B ये बोलती है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले इंटरेस्ट पे किया तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। लेकिन आपने किसी अदर पर्सन से लोन लिया है तो उस केस में इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा ऑन द ड्यू बेसिस ऑल्सो, मतलब आप पे नहीं किया तो भी आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। एक और चीज समझना, असेट को एक्वायर करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड पे जो डिस्काउंट होता है वो आपको अमोर्टाइज करने को मिलेगा। कैसे अमोर्टाइज करोगे पता है भैया? जीरो कूपन बॉन्ड्स का जितना लाइफ है उतने मंथ में, उतने कैलेंडर मंथ में आप जीरो कूपन बॉन्ड्स का जो भी डिस्काउंट है उसको अमोर्टाइज कर दो और इस साल में जितने मंथ फॉल कर रहे हैं उतना डिस्काउंट इस साल अलाउ हो जाएगा और बाकी वाला डिस्काउंट है वो आपको अगले साल अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है किसमें? या तो एसपीएफ में स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, या एनी अदर फंड एज पर द लॉ का रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, कहां के एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ या किसी लॉ में बोला हुआ उसके हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर को खर्चा अलाउ है। लेकिन यहाँ पे 43B टांग अड़ाती है और वो ये बोलती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले पे किया तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना, एम्प्लॉयर ने अगर यूआरपीएफ में पैसा डाला अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, या यूएजीएफ में अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, या यूएएसएफ में अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में पैसा डाला तो डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलता। तो देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला, यहां पे एसपीएफ में, आरपीएफ में, एजीएफ में, एएसएफ में एनी अदर लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाउ हो जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, बट अगर यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड में डाला तो वहां पे अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या जिसको अपन न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसमें पैसा डाला तो भी एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा। और एम्प्लॉयर को डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना उसने कंट्रीब्यूट किया और 10% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर। लेकिन सैलरी में आपको क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी एंड डीए लेना है, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस है। डीए कौन सा? इन टर्म्स वाला जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आता है वही वाला डीए आपको लेना है। तो देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में पैसा डाला, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा कितना? सैलरी का 10% और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर अपने पास रखता है, कौन सा? लाइक पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का जो पैसा अपने पास में रखता है उसको वो जमा करवाना पड़ेगा उस फंड में अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं, ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक एम्प्लॉयर को जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा एम्प्लॉय का काट के अपने जेब में डाल के रखा है, किसका वाला? या तो ईएसआई वाला, पीएफ वाला वगैरह, ठीक है, वो उसको उस फंड में जमा करवाना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग नहीं, अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। लेकिन उसके एआईएमएल वगैरह के कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट के, और वो जजमेंट ये बोलता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करवाया तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक जमा करवाया तो ही चलेगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। एनिमल्स जो भी आपके बिजनेस में यूज होते हैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। एनिमल्स अगर आपके बिजनेस में यूज होते हैं और स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, जैसे तबेले का बिजनेस है या सर्कस वगैरह जो होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल्स यूज्ड इन द बिजनेस बट अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर वो मर जाता है, जिस ईयर में वो मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है, उस ईयर में आप डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन कितना लोगे? कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो कॉस्ट ऑफ एनिमल है माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस का आप डिडक्शन है वो डिडक्शन ले सकते हो। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है बेड डेट्स हुआ तो बेड डेट्स का डिडक्शन आपको मिलेगा। देखो दो पार्ट, बेड डेट्स रिलेटेड टू सेल्स है आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बेड डेट्स रिलेटेड टू लोन है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका मनी लैंडिंग का ही बिजनेस है तो बेड डेट्स रिलेटेड टू लोन है तो भी आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, मैंने आपको बोला कि बेड डेट्स का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन बेड डेट्स लेने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आपको बेड डेट्स को राइट ऑफ मानना पड़ेगा, मींस डेटर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो डेट है डेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। आप प्रोविजन का एंट्री मारोगे आपको बेड डेट्स अलाउ नहीं है। और दूसरा, बेड डेट्स आप उसी के सामने ले सकते हो जो कभी ना कभी आपकी इनकम में कभी ना कभी कंसिडर हुआ है, कभी ना कभी आपकी इनकम में कंसिडर हुआ है, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड अगर बेड डेट्स है तो वो इनकम में कंसिडर हुआ होगा, लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है तो इनकम में कंसिडर नहीं हुआ होगा। तो लोन से रिलेटेड बेड डेट्स आपको अलाउ नहीं होता, बट सेल्स से रिलेटेड बेड डेट्स है वो आपको अलाउ हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो आपको अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से आपने इनकम बना दी, आईसीडीएस के हिसाब से आपने इनकम बना दी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम बनाया ही नहीं। अब आईसीडीएस के हिसाब से इनकम बना दी और उसका बेड डेट्स हो गया। तो एक बात बताओ, बेड डेट्स लेने के लिए कंडीशन होती है डेट को राइट ऑफ करना, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपने डेट को बनाया ही नहीं, डेट जो है वो डेट आया ही नहीं, तो उस केस में क्या आप बेड डेट्स ले सकते हो या नहीं? आंसर इज यस। यहां पे इन्होंने एक एक्सेप्शन डाला है कि अगर मान लो कोई भी इनकम है वो आईसीडीएस के हिसाब से बना देते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक वो इनकम रिकॉर्ड नहीं की, तो भैया आप बेड डेट्स क्लेम कर सकते हो इवन विदाउट राइटिंग ऑफ। अरे राइटिंग ऑफ करेंगे कैसे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इनकम ही नहीं लिखा, तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो ऐसा होता है बहुत बार कि आईसीडीएस के हिसाब से क्या होता है, अर्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द इनकम हो जाता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट के हिसाब से नहीं होता, तो वहां पे राइट ऑफ नहीं करोगे तो भी आप बेड डेट्स ले सकते हो। अब एक और चीज समझना, जिस ईयर में आपका बेड डेट्स का रिकवरी होता है उस ईयर में वो टैक्सेबल होता है। इवन उस ईयर में आपका वो बिजनेस चल रहा है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं पहले टेक्सटाइल का बिजनेस करता था, अब मैं पढ़ाता हूं, और आज मान लो मुझे बैड डेट्स का रिकवरी होता है तो दैट विल बी टैक्सेबल। अगर वो बैड डेट्स पहले अलाउ हुआ था और रिकवरी जिस ईयर में होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे आपका बैड डेट्स रिकवरी तभी टैक्सेबल होगा जब बैड डेट्स क्लेम किया था और रिकवर कर रहा है वो सेम पर्सन होना चाहिए। जिसने क्लेम किया था और रिकवर कर रहा है वो सेम पर्सन होना चाहिए। अगर वो अलग अलग पर्सन है तो उसके इसमें बैड डेट्स रिकवरी टैक्सेबल नहीं है। जैसे पार्टनरशिप फर्म ने बैड डेट्स क्लेम किया था और पार्टनर ने रिकवरी की तो उस केस में पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। मिस बैड डेट जो क्लेम करता है और रिकवर करता है वो दोनों सेम पर्सन होने चाहिए। सर क्वेश्चन ही आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता है कि आंसर इज यस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता है लेकिन सिर्फ बैंक्स को होता है। अब एक और चीज समझना, बैंक्स को कितना प्रोविजन अलाउ होता है तो सबसे पहले इंडियन बैंक के केस में एक तो 8.5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, 8.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, एंड उसके साथ साथ में 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। जो रूरल ब्रांचेस ने एग्रीगेट एडवांस दिया है उसका 10% ये आपके इंडियन बैंक को अलाउ होता है। लेकिन जो भी फॉरेन बैंक है, पीएफआई या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी है, उनको भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता है कितना, 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक और चीज समझना, जब प्रोविजन पीएनएल के डेबिट में जा रहा है तो एक्चुअल बैड डेट्स है ना वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा, एक्चुअल बैड डेट्स है वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारा प्रोविजन शॉर्ट पड़ जाता है, एक्चुअल बैड डेट्स इज मोर देन प्रोविजन, तो जितना भी एक्सेस एक्चुअल बैड डेट्स रहेगा दैट विल बी डायरेक्टली सेक्शन 36(1)(7) में पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड एक ही प्रोविजन अकाउंट बनाओगे। आप ऐसे नहीं कि दो दो चार चार प्रोविजन अकाउंट बना दो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेक ओनली वन प्रोविजन अकाउंट। ऐसा नहीं कि रूरल अर्बन का अलग अलग बनाओ, नहीं, आपको एक ही प्रोविजन अकाउंट है वो आपको बनाना है। एक और चीज समझना, फैमिली प्लानिंग के पे अगर आप कोई खर्चा करते हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है वो सिर्फ कंपनी को मिलता है। और कंपनी में भी एक चीज समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन है वो मिल जाएगा। सर एसटीटी सीटीटी पे किया और आपका अगर मान लो सिक्योरिटी या कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है, अगर आपका सिक्योरिटी कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में जाती है तो एसटीटी सीटीटी है वो अलाउ होता है। एक चीज ध्यान रखना, एसटीटी कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पीजीबीपी में आपको एसटीटी अलाउ हो जाता है। एक और चीज समझना, जो भी लॉन्ग टर्म लोन देती है, ऐसी कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लॉन्ग टर्म लोन देती है उनको एक सेक्शन 36(1)(8) का डिडक्शन मिलता है। उनको क्या करना है कि स्पेशल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है 5 इयर्स या उससे ज्यादा का आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर हाउसिंग के लिए लोन दिया, उसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, उनको डिडक्शन मिलेगा कितना पता है? तीनों में से व्हिचएवर इज लोअर, पहला 20% ऑफ द पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी मींस कोर एक्टिविटी जो लोन देने से इनकम होता है उसका 20%, दूसरा स्पेशल रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया, और तीसरा 200% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, मींस शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व का 200% और माइनस ओपनिंग बैलेंस जो भी रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस को आप लेस कर दोगे, जो बचेगा व्हिचएवर इज लोअर है तीनों में से उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ सुगर केन के केस में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लगता है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सुगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की जो फिक्स प्राइस होती है उससे कम पे अगर उन्होंने सुगर कैन खरीदा, उस प्राइस पे या उस प्राइस से कम पे उन्होंने सुगर कैन खरीदा तो भी उनको उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, मार्क टू मार्केट लॉसेज है, क्या ये अलाउ होते हैं? नहीं, ध्यान रखना, मार्क टू मार्केट लॉसेज अगर आईसीडीएस के हिसाब से है तो अलाउ हो जाएंगे, बट अगर आईसीडीएस के हिसाब से नहीं है तो वो अलाउ नहीं होते। तो आप ध्यान रखना, मार्क टू मार्केट लॉसेज इफ इट इज एज पर द आईसीडीएस इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, बट अगर वो आईसीडीएस के हिसाब से नहीं है तो वो अलाउ नहीं होंगे। एक और चीज समझना, सेक्शन 37 इज द लास्ट सेक्शन। और सर कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन क्या बोलती है? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, पहला कंडीशन अगर वो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, दूसरा वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, आपका पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि वो खर्चा जो है वो आपका लीगल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो खर्चा है वो आपको 37 में अलाउ हो जाएगा। क्या सीएसआर का खर्चा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो। सीएसआर का खर्चा है वो बिजनेस पर्पस का खर्चा नहीं माना जाता। CSR का एक्सपेंडिचर है दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो CSR के खर्चे का आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, ब्रोशर, पैम्पलेट या उसके मैनिफेस्टो में वगैरह, तो आपको एडवर्टाइजमेंट का उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यह डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है, तो आप 80 GGB GGC में 100% इसका डिडक्शन है वो डिडक्शन ले सकते हो। एम्प्लॉइज को वगैरह आपने गिफ्ट दिया आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आपने न्यू ईयर का पूजा ऊर्जा का खर्चा किया, या फिर आप जब इनोग्रेशन एक्सपेंसेस करते हो, कोई भी नया क्लास खोलते हो तो हम भी इनोग्रेशन का खर्चा करते हैं, उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। डीडीटी और डिविडेंड पे करते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्रोविजन ऑफ लॉसेज ऑफ सब्सिडरी वगैरह है या प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स वगैरह है, वो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। एक चीज बता दूं, प्रोविजन का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। प्रोविजन जो है, जो फ्यूचर के लिए प्रोविजन होते हैं, उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता, सिर्फ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का मिलता है जो सेक्शन 36 में पड़ा था। और कुछ प्रोविजन आईसीडीएस के हिसाब से अगर है, आईसीडीएस के हिसाब से प्रोविजन है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप शेयर डिबेंचर के इशू एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन मिलता है या नहीं। शेयर डिबेंचर के इशू एक्सपेंडिचर अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में चले जाते हैं तो सेक्शन 35 डी में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है तो डिडक्शन मिलता है या नहीं, तो उसको लेके एक ब्रूक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड का केस लॉ है और उस केस लॉ में बाइफर्केशन ऐसे किया है कि अगर वो आईपीओ से रिलेटेड खर्चा है, एफपीओ से रिलेटेड खर्चा है या राइट इशू का खर्चा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन बायबैक या बोनस या डिबेंचर से रिलेटेड खर्चा है तो वो रेवेन्यू माना जाएगा और आपको अलाउ हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, आईपीओ एफपीओ और राइट इशू का खर्चा, आईपीओ एफपीओ एंड राइट इशू का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, लेकिन बायबैक और बोनस एंड डिबेंचर और लोन से रिलेटेड खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाएगा। आप बोलोगे बाइफर्केशन कैसे किया। देखो, जो चीज करने से अगर आपकी शेयर कैपिटल इंपैक्ट होती है, आपका कैपिटल बेस इंपैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आईपीओ एफपीओ राइट इशू निकालने से आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये कैपिटल होगा। लेकिन एक चीज समझना, जब भी आप बायबैक करते हो उतना का उतना अमाउंट आप सीआरआर में ट्रांसफर करते हो, बोनस के केस में आप रिजर्व को कैपिटलाइज करते हो एंड तुम्हारा जो भी लोन डिबेंचर है वो कैपिटल बेस में आता नहीं है तो उस केस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अब एक और चीज समझना, सर टैक्सेस अलाउ होते हैं नहीं, तो टैक्सेस में मैं बता दूं डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होते बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का सर इंटरेस्ट अलाउ होता है कि देखो, डायरेक्ट टैक्स जब अलाउ नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं, डायरेक्ट टैक्स की पेनल्टी भी अलाउ नहीं है। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होती है। इनडायरेक्ट टैक्स की कोई पेनल्टी है वो भी आपको अलाउ नहीं होगी। अब एक बात समझना, पेनल्टी दो तरह की होती है, एक तो ब्रीच ऑफ लॉ और एक होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी अलाउ नहीं है लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी अलाउ हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो रेवेन्यू नेचर है उसका ब्रीच हो जाता है तो उस केस में उसका पेनल्टी आपको अलाउ हो जाएगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी अलाउ, ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी नॉट अलाउड, बट कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज समझना, आपने देखा होगा डॉक्टर को जो रेफरल कमीशन मिलता है या डॉक्टर को जो फ्रीवीज वगैरह मिलती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी को यह खर्चा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, ये इलीगल एक्सपेंडिचर है, ये आपको अलाउ नहीं होता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, अगर डॉक्टर को फ्रीबीज दी या उनको क्या किया, कहीं फॉरेन वगैरह घुमाने लेके गए तो वो खर्चा है वो आपको अलाउ नहीं होता। या बहुत बार लेबोरेटरी, कैप्सकल लेबोरेटरी का केस लॉ है और लेबोरेटरी ने डॉक्टर को रेफरल कमीशन दिया तो वो भी अलाउ नहीं है क्योंकि इलीगल खर्चा हो जाएगा। उसके बाद टैक्स ऑडिट का खर्चा वगैरह है वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है वो अलाउ होता है। इवन पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कीमैन बनाया और पार्टनर के लिए पॉलिसी लिया तो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन 40 पे, और सेक्शन 40 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। सेक्शन 40 ये बोलती है कुछ खर्चे ऐसे जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले सेक्शन 40 का क्लॉज नंबर ए और सब क्लॉज आई। अब एक चीज समझना, 40 क्लॉज ए सब क्लॉज आई है वो ये बोलता है किसी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हो, किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कुछ पेमेंट करते हो, क्रेडिट करते हो तो, और अगर आपने उसका इस साल में टीडीएस नहीं काटा, अगर आपने उसका इस साल में टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो उस केस में वो 100% खर्चा इस साल आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इस साल आपका 100% खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी एंड इफ यू नॉट डिडक्टेड द टीडीएस इन करंट प्रीवियस ईयर और डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट नॉट डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन 100% खर्चा है वो आपका इस साल डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर आपने इन फ्यूचर अगले साल में टीडीएस काटा या फिर टीडीएस इस साल काटा था बट ड्यू डेट के बाद जमा करवाया तो जिस ईयर में वो टीडीएस आप जमा करवाओगे उस ईयर में आपको उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो या क्रेडिट करते हो, तो अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, क्रेडिट करते हो, उसका आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 30% खर्चा डिसअलाउड होगा, 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लो अगले साल टीडीएस काटा या फिर इस साल काटा बट ड्यू डेट के बाद जमा करवाया तो जिस ईयर में आप डिपॉजिट करवाओगे टीडीएस, उस ईयर में वो 30% जितना डिसअलाउड हुआ था वो वापस से अलाउ हो जाएगा। दोनों सेक्शन में यही फर्क है कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का अगर टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा और रेजिडेंट के केस में आपका 30% एक्सपेंडिचर है वो ही डिसअलाउड होगा। अब यहां पर अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो आ गया। अब एक चीज समझना, आपने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया या रेजिडेंट को पेमेंट किया, ये वाला पॉइंट लास्ट ईयर तक सिर्फ रेजिडेंट पे लगता था, बट अब नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी पे भी लग जाएगा। आपने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी या रेजिडेंट को पेमेंट किया और आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन आगे वाले ने उस अमाउंट को अपनी इनकम में कंसिडर कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था गवर्नमेंट को भर दिया, और उसके साथ में उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। और आप अगर सीए का एक सर्टिफिकेट लाके दे सकते हो तो उस केस में ये मान लिया जाएगा, आप असेसिंग डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, और ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा है एंड गवर्नमेंट को जमा करवाया है। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी या रेजिडेंट पर्सन को कुछ पेमेंट करते हो या अमाउंट क्रेडिट करते हो, बट आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा, बट आगे वाला पर्सन है वो ईमानदार है, उसने क्या किया, इनकम को इनकम में कंसिडर कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो टैक्स भर दिया, उसने रिटर्न फाइल कर दिया। आप सीए का एक सर्टिफिकेट लाके दे सकते हो, जैसे 26A करके शायद फॉर्म आता है, उसमें आप सीए का एक सर्टिफिकेट लाके दे सकते हो, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवाया। और कौन सी डेट को टीडीएस काटा एंड गवर्नमेंट को जमा करवाया हुआ माना जाएगा, पता है, जिस दिन पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया। तो पेई ने जिस दिन अपना रिटर्न फाइल किया उस दिन ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा एंड गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। इन सिंपल वर्ड में बता दूं कि अगर मान लो आपने इस साल किसी को पेमेंट क्रेडिट किया, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में इस साल आपका 100 या 30% डिसअलाउड हो जाएगा, और जिस ईयर आगे वाला पर्सन है वो अपना रिटर्न फाइल करेगा उस ईयर में वो 30 या 100% है वो आपका अलाउ है, वो हो जाएगा। लास्ट ईयर तक ये एक्सेप्शन सिर्फ रेजिडेंट पेई के लिए थी, लेकिन इस बार से ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी आ गई। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से कोई भी रॉयल्टी लेती है, फीस लेती है, प्रिविलेज फीस लेती है, और वो एक्सक्लूसिवली किससे लेती है, पता है, एक्सक्लूसिवली अपनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, इंडिया के बाहर किसी पर्सन को आप सैलरी पे करते हो या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो, तो उसका टीडीएस काटना और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस मींस अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस जमा करवाना है। अगर आपने एक दिन भी डिले किया तो आपका 100% सैलरी डिसअलाउड हो जाएगा। ये बहुत ही रिजिड सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन को सैलरी पे किया या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या काट के आपने जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस का ड्यू डेट है तब तक जमा नहीं करवाया, तो उस केस में आपका 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। आपने एक दिन भी डिले किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं, अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, अगर आपने एक भी दिन डिले किया तो उस केस में आपको खर्चा जिंदगी में कभी भी अलाउ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आप अपने ऑफिस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय है तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं और टीडीएस टाइम पे काटते हैं और गवर्नमेंट को टाइम पे जमा करवाते हैं अगले महीने की 7 तारीख तक। अगर आपने एक दिन भी डिले किया तो वो खर्चा कभी भी आपको अलाउ नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स पे किया, एम्प्लॉयर जो है वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे बहुत बार एम्प्लॉय का टैक्स खुद भरता है, तो एम्प्लॉय का जो टैक्स है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे एम्प्लॉयर अपनी जेब से भरता है। एम्प्लॉयर उसका पीएनएल के डेबिट में डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो टैक्स है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है ड्यू टू सेक्शन 10(10)CC। एक सेक्शन होती है 10(10)CC और उसके हिसाब से नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और जब एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 ये बोलती है कि आप अपने रिलेटिव को अगर पेमेंट करते हो, अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो रीजनेबल अलाउ है, अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं मेरी वाइफ को पेमेंट करता हूं 5 लाख का, उसमें से रीजनेबल 5,000 है तो 5,000 अलाउ हो जाएगा और 4,95,000 डिसअलाउड हो जाएगा। बट रिलेटिव का मतलब क्या, अगर असेसी इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव होंगे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। एचयूएफ अगर असेसी है तो एचयूएफ के मेंबर एंड देयर रिलेटिव। पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के पार्टनर एंड देयर रिलेटिव। कंपनी है तो डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। अब एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन है और वो दूसरे पर्सन के बिजनेस में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उसके इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वगैरह, ठीक है, तो उस केस में या फिर कोई शेयर होल्डर है जिसका 20% से ज्यादा का किसी के बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। तो वो लोग आपस में रिलेटिव माने जाते हैं। आपने अगर एक दूसरे को पेमेंट किया और वो अनरीजनेबल है तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसको डिसअलाउड कर सकता है। उसके बाद में एक बात समझना, अगर मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग सब्सिडरी तो रिलेटिव ऑलरेडी हो गई, वो सब्सिडरी आपस में रिलेटिव मानी जाएगी और उस केस में बेटा रीजनेबल है वही अलाउ होगा, अनरीजनेबल आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 ये बोलती है कि अगर आप किसी को सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट करते हो तो आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। आप अगर 10,000 से ज्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट करते हो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसी से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कैश में किया तो उस केस में वो खर्चा आपका पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ये जो 4 मोड है उसी से करना पड़ेगा। क्या आप क्रॉस चेक से कर सकते हो? आंसर इज नो। आप क्रॉस चेक से करोगे तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, उसी से आपको करना है। अब एक और चीज समझना, आप अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो उस केस में ये लिमिट 10,000 से 35,000 हो जाती है, 35,000 हो जाती है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने खर्चे का डिडक्शन पहले ऑलरेडी ले चुके हो ऑन द अक्रूअल बेसिस, जैसे मान लो परचेज कर दी थी 4 साल पहले तो डिडक्शन उसका ले लिया था, अभी तक पेमेंट नहीं किया, इस साल में आप पेमेंट कर रहे हो तो इस साल में क्या होगा, वापस से आपकी इनकम बन जाएगी। ऐसा सेक्शन 40A सब सेक्शन 3A बोलती है। मींस अक्रूअल बेसिस पे पहले डिडक्शन ले लिया और पेमेंट आप सबसीक्वेंट ईयर में करते हो, और पेमेंट अगर आप कैश में करते हो 10,000 से ज्यादा का तो जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में वो वापस से आपकी इनकम है, वो इनकम बन जाएगी। अब एक चीज समझना, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ये बोलती है कि अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो या बैंक को पेमेंट करते हो, LIC को पेमेंट करते हो, GIC को पेमेंट करते हो, RBI को पेमेंट करते हो तो उस केस में आप कैश का पेमेंट कर सकते हो, चलेगा। या फिर आप बुक एंट्री करते हो। बुक एंट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपके 5 लाख मांगता हूं, आप मेरे 3 लाख मांगते हो और हम आपस में सेट ऑफ कर लेते हैं 3 लाख को, तो क्या ये कैश में पेमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं पेमेंट करता हूं किसी भी प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट या एनिमल्स वगैरह खरीदने के लिए आप कैश में पेमेंट करते हो तो चलेगा, लेकिन आप प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि मैं किसी किसान से गेहूं खरीदता हूं 2 लाख में, कैश में पेमेंट करूंगा, चलेगा, लेकिन मैं बिग बाजार से गेहूं खरीदता हूं, क्या कैश में पेमेंट चलेगा? आंसर इज नो, नहीं चलेगा। अब एक और चीज समझना, पेमेंट आप उस दिन करते हो जिस दिन बैंक बंद है और पेमेंट करना जरूरी है। Payment is required to be made on the डेट ऑन विच बैंक्स आर क्लोज, तो उस केस में कैश पेमेंट कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट करते हो तो 50,000 तक आप कैश पेमेंट कर सकते हो। इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट तो 10,000 तक का आप कैश में पेमेंट है वो आप कर सकते हो। अगर एम्प्लॉय को किसी और जगह पे काम पे भेजते हो 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए, 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए और वहां पे उसका कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसको कैश में पेमेंट है वो आप कर सकते हो। अगर मान लो किसी भी पर्सन को आप पेमेंट करते हो लाइक एजेंट वगैरह को, और वो एजेंट को पेमेंट करना कैश में जरूरी है, एजेंट को कैश में पेमेंट करना जरूरी है तो उस केस में आप कैश में पेमेंट एजेंट को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मेरा एक एजेंट है, वो एजेंट गेहूं खरीदने के लिए जा रहा है तो गेहूं खरीदने के लिए आगे उसको कैश में पेमेंट करना है तो मैंने एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे जब आप जो मनी चेंजर रहते हैं, जो लोग करेंसी चेंज करते हैं वो कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 40 है सब सेक्शन 7 ये बोलती है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी क्या अलाउ होगा? कि मैं बताऊं, प्रोविजन कोई भी अलाउ नहीं होगा, तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी भी अलाउ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल ग्रेचुइटी जो आपने पे किया वो अलाउ हो जाएगा। या फिर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो भी अलाउ हो जाएगा। और एक चीज समझना, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, जैसे इस साल मेरे 5 एम्प्लॉय रिटायर हो गए और उनका ग्रेचुइटी तो ड्यू हो गया, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है जो प्रोविजन ऑलरेडी एम्प्लॉय रिटायर हुए उससे रिलेटेड प्रोविजन, जो प्रोविजन ऑलरेडी ड्यू हो चुका है वो आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर का कोई भी प्रोविजन है वो आपको अलाउ नहीं होता। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन 43B ये बोलती है कि भैया कुछ पेमेंट ऐसे है, कुछ यहाँ पे 7 एक्सपेंडिचर ऐसे है, 6-7 एक्सपेंडिचर ऐसे है जो आपने एक्चुअल पेमेंट किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ही अलाउ है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा। देयर आर 6-7 एक्सपेंडिचर दैट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज वो इस साल में अलाउ नहीं होगा। सर कौन कौन से ऐसे खर्चे है? सबसे पहला टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। टैक्स, ड्यूटी एंड सेस का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका आपने ड्यू डेट तक पेमेंट किया तो ही आपको अलाउ होगा। दूसरा, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है SPF, RPF में, AGF में, ASF में या फिर नेशनल पेंशन जो स्कीम होती है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वहां पे। तीसरा, अगर मान लो बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। चौथा, अगर आपने लोन लिया है, और अगर आपने लोन किससे लिया है, या तो आपने शेड्यूल बैंक से लिया है या PFI से लिया है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है या NBFC से लिया है। यहाँ पे NBFC इसी साल से ऐड किया है तो NBFC पे भी ये सेक्शन लग जाएगी। अगर आपने NBFC से लोन लिया है और NBFC से आपने लोन लिया है तो भी आप इंटरेस्ट आपको तभी अलाउ होगा जब आपने ड्यू डेट तक उस इंटरेस्ट को पे किया, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा। या फिर आप एम्प्लॉय को जो लीव सैलरी देते हो तो लीव सैलरी का भी डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज आपको लीव सैलरी अलाउ नहीं होगी। और रेलवे की असेट अगर आपने कोई यूज की तो रेलवे को जो पेमेंट है वो आपने ड्यू डेट तक कर दिया तो अलाउ होगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे टोटल आपके 6 पेमेंट है और वो 6 पेमेंट आपको अलाउ तभी होंगे। खर्चा अलाउ तब होगा जब आपने ड्यू डेट तक आपने पे किया, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने एक्चुअल पेमेंट किया तो ही खर्चा अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। सर एक बात बताओ, ये 6 एक्सपेंडिचर कौन कौन से? सबसे पहला क्या था? टैक्सेस, ड्यूटी, सेस वाला। दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ या फिर एनपीएस वाला, या कोई भी लॉ में रिक्वायर्ड है वो वाले फंड में अगर एम्प्लॉयर ने डाला तो। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, पीएफआई, एसएफसी, एसआईआईसी और एनबीएफसी। एनबीएफसी में दोनों तरह की एनबीएफसी, जो नॉन लाइक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, दोनों तरह की एनबीएफसी है। अब एक और चीज समझना, और उसके बाद में लीव, सैलरी और लास्ट में तुम्हारा रेलवे का कोई एसेट यूज करते हो और उसके लिए पेमेंट है तो। अब एक और चीज समझना यहां पे, सर अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट को आपने लोन में रिकन्वर्ट करवा दिया, इंटरेस्ट को लोन में रिकन्वर्ट करवा दिया, तो क्या ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, ये पेमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो रिकन्वर्ट करवाया लोन में, उसका जो प्रिंसिपल जिस ईयर में आप पे करोगे, मींस जो लोन बना वो लोन की इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में उसका डिडक्शन है, वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एनबीएफसी को इसी साल ऐड किया है। अब हो सकता है एनबीएफसी का आपका 3 साल पुराना इंटरेस्ट था तो 3 साल पहले आपने डिडक्शन ले लिया था, अब इस साल आपने क्या किया, वो एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे किया तो इस साल वापस डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। जब ऑलरेडी आप 3 साल पहले ड्यू बेसिस पे डिडक्शन, क्योंकि एनबीएफसी में पहले तो ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था क्योंकि यहाँ एनबीएफसी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एनबीएफसी इस साल से ऐड किया है तो ड्यू बेसिस पे पहले अगर आपने डिडक्शन ले लिया है तो अब आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। पानी पी लो आप लोग, मैं भी पी लेता हूं। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 43CB। 43CB ये बोलती है कि अगर कोई भी तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोचिंग क्लास वगैरह, दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? पीओसीएम बेसिस पे, दैट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है, तो इस साल में जितना कंप्लीशन हुआ उसके बेसिस पे आपको रेवेन्यू को इस साल रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। सबसे पहला, अगर मान लो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं है, 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं है, जैसे मान लो हमारा क्रैश कोर्स होता है, फास्ट ट्रैक बैच होता है, वो 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं है, तो उस केस में हम जो है वो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन मेथड। जिस ईयर में वो कंप्लीट होगा उस ईयर में उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। या फिर तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इन्वॉल्व इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मींस स्पेसिफिक पीरियड में आपके इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है, तो उस केस में आप क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, हम सीए फाइनल का क्लास लेते हैं मुंबई में इन द ब्रांड नेम ऑफ द एडुकेटरी। एडुकेटरी में फेस टू फेस बैच होता है जो 2 साल तक चलता है। सीए फाइनल को हम 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं। एक बच्चे से मान लो हमने 2 लाख का फीस लिया, अब 2 लाख का फीस लिया और यहां पे क्या हुआ कि 1 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, 2 साल तक बैच चलेगा तो 2 लाख का फीस है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख है वो इस ईयर और 1 लाख अगले साल में। अगर वहां इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है तो उस केस में हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब एक और चीज समझना, जो रिटेंशन मनी होता है वो रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से लेस कर दोगे, नहीं। रिटेंशन मनी भले आपको आज मिलता नहीं है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट रहेगा। अब एक और चीज समझना, आपको टेम्पररी नेचर की कोई इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन, ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से लेस नहीं होगी। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, दैट विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इसको आप टैक्सेबल करोगे, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन है उसको सेपरेटली आप टैक्सेबल करोगे, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से लेस नहीं करोगे। लेकिन आप क्या करते हो, अकाउंट वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से लेस कर देते हो। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट को एनपीए बना देते हैं, जो एनपीए बना देते हैं, बेड डेट्स बना देते हैं, आपको पता है एनपीए बना देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो उस पे सर इंटरेस्ट को कब रिकॉग्नाइज करना है? तो सेक्शन 43D है वो किस पे लगती है? अगर कोई भी शेड्यूल बैंक है, पीएफआई है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी, एनबीएफसी को यहां पे ऐड किया इस साल, या फिर ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी है जो कि हाउसिंग लोन देती है और उन्होंने क्या किया, एनपीए बना दिया, तो एनपीए पे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कब करोगे? जिस ईयर में आपको वो इंटरेस्ट मिल जाता है या जिस ईयर में आप पीएनएल के क्रेडिट में डालते हो, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जिस ईयर में आपको वो इंटरेस्ट मिल जाता है एनपीए पे या फिर आपने पीएनएल के क्रेडिट में डाला, व्हिचएवर इज अर्लियर वाला ईयर है, उस ईयर में उसको आप इनकम बना देते हो। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 43C ये बोलती है कि अगर कोई असेट है, वो असेट पहले कैपिटल असेट थी और उसको ट्रांसफर किया गया इन अमलगमेशन या फिर एचयूएफ का पार्टीशन या फिर गिफ्ट, और वो आई एज अ स्टॉक इन ट्रेड, जैसे मान लो आपके लिए कोई असेट थी जो कैपिटल असेट थी, आपने मुझे गिफ्ट दे दी, या फिर अमलगमेशन हो गया करके, ठीक है, या फिर मान लो विल में मिल गई, या फिर यहां पे क्या बोलते हैं गिफ्ट में मिल गई, या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में मिल गई, तो उस केस में और मेरे लिए वो असेट स्टॉक इन ट्रेड है, तो मेरे लिए स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी पता है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। जो आपकी कॉस्ट थी, आपने जितना इंप्रूवमेंट करवाया था, मैंने जितना इंप्रूवमेंट करवाया था, ट्रांसफर पे जो एक्सपेंसेस हुआ उसकी टोटल कर दूंगा, वो मेरे लिए स्टॉक की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। और ध्यान रखना स्टॉक पे कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट सेक्शन 43A। 43A बोलती है कि अगर मान लो आपने इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर की, इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर की, या तो बायर या सप्लायर क्रेडिट पे, आपने क्रेडिट पे उधार इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर की, या बाहर से एसेट एक्वायर की फॉरेन करेंसी लोन लेके, तो असेट को आज आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे। वो कौन सी वैल्यू पे करोगे? जो आज की जो भी वैल्यू रहेगी उससे आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे। जिस टाइम पे उस लोन का रीपेमेंट करते हो या फिर सप्लायर को जब पेमेंट करते हो, और पेमेंट के टाइम पे अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आता है, पेमेंट के टाइम पे अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस या गेन आता है, तो वो तुमको ब्लॉक से एडजस्ट करना है। अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आया, अगर गेन आया ठीक है तो ब्लॉक में से लेस कर दोगे, और लॉस आया तो ब्लॉक में ऐड कर दोगे। लेकिन एक चीज समझना, ये 31 मार्च को नहीं करना है, ये आपको पेमेंट के टाइम पे करना है। तो जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आता है, देखो ये सेक्शन तभी लगेगी जब इंडिया से बाहर के से एसेट खरीदी है, सप्लायर क्रेडिट या फिर मान लो फॉरेन करेंसी लोन लेके, तो सप्लायर को जिस टाइम पे आप पेमेंट करोगे या फिर लोन का रीपेमेंट करोगे उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आया, दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद योर ब्लॉक ऑफ एसेट। अब एक और चीज समझना, अगर आपने उसके लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लॉस और गेन आया, तो उस केस में भी आपका ब्लॉक से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 43AA ये बोलता है कि अदर जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है, क्या वो अलाउ होंगे या नहीं एज पर द आईसीडीएस। तो आप आईसीडीएस में जाके देखो, आईसीडीएस में जैसा बोला हुआ है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस का, उसके हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 41 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी खर्चे का आपने पहले डिडक्शन ले लिया है, किसी खर्चे का आपने डिडक्शन ले लिया है, या कोई भी लाइबिलिटी है जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो, और अब क्या होता है वो खर्चा सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है या फिर आपको रेमिशन हो जाता है, तो वो तुम्हारे लिए पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि मान लो मैंने क्या किया कि मैंने मान लो यहां पे मैंने जीएसटी का पेमेंट किया, डिडक्शन ले लिया, मुझे जीएसटी का रिफंड मिल जाता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर लाइट का बिल था 20,000 का, और 20,000 लाइट का बिल मैंने पीएनएल के डेबिट में अक्रूअल बेसिस पे डाल दिया, मैंने अभी तक पे नहीं किया था। हो सकता है मेरा सीएम अरविंद केजरीवाल जैसा आया और उसने लाइट के बिल माफ कर दिए, तो हमको फायदा हो गया, यहाँ सीज टू बी एग्जिस्ट हो गया, रेमिशन हो गया, तो उस केस में मैं बताऊं ये मेरी वापस से इनकम बन जाएगी। तो आप एक चीज ध्यान रखना, किसी भी खर्चे का डिडक्शन ले लेते हो और वो लाइबिलिटी या तो क्या सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाती है, उसका रेमिशन हो जाता है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी एज पर सेक्शन 41(1)। एक और चीज समझना, वर्किंग कैपिटल लोन का वेव ऑफ होता है, तो वो भी 41(1) में आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल लोन का वेव ऑफ हुआ, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड 41(1)। 41(3) ये बोलता है कि साइंटिफिक रिसर्च की कोई एसेट है, जैसे रेनबैक्सी की एक लेबोरेटरी थी, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो गया, उस एसेट को क्या करे? दो चीजें, या तो बिजनेस में ला ले, तो बिजनेस में ला लिया तो एज पर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 43(1) के हिसाब से उसकी एक्चुअल कॉस्ट निल ली जाएगी, और फिर जब उस एसेट को बेचेंगे तो फिर वो ब्लॉक वाला कंसेप्ट लग जाएगा, पार्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक वैसा वाला। लेकिन अगर मान लो लेबोरेटरी से डायरेक्टली सेल कर देते हो, कोई असेट है जो आपके साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी, आप लेबोरेटरी से डायरेक्टली सेल कर देते हो, तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस है एंड डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 व्हिचएवर इज लोअर है, वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा। और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन भी होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। उसके बाद 41(2) बैलेंसिंग चार्ज, 41(4) है रिकवरी ऑफ द बैड डेट्स, पे ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। 44AA आप एक बार घर पे देख लेना, उसको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं। 44AB is related to tax audit. Tax audit किसको करवानी पड़ती है? बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट आपका 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। और बाकी कुछ स्पेसिफिक केसेस वहां पे और है जिसमें आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और कोई नहीं कर सकता, और 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाई तो आपको 271B का पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा? टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट का 0.5%, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 whichever is lower है, उतने का आपको पेनल्टी लग जाएगा। Now last part of this particular topic is the presumptive taxation. Presumptive taxation में सबसे पहली सेक्शन 44AD। 44AD क्या बोलती है? 8% 6% वाली। पहली चीज ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, जो भी तुम्हारा एलएलपी है, इस पे ये सेक्शन नहीं लगती, सिर्फ 3 ही लोगों पे लगेगी। किस पे? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, उन पे ये सेक्शन लगती है अगर आप बिजनेस करते हो प्रोफेशन नहीं, अगर आप बिजनेस करते हो प्रोफेशन नहीं एंड आपका एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए, कमीशन ब्रोकरेज नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए, 44A में कवर होता है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए और आपके बिजनेस का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में अप टू 2 करोड़ है तो आप ये सेक्शन ले सकते हो। तो देखो ये सेक्शन कौन ले सकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी। आप बिजनेस कर रहे हो, एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए, कमीशन ब्रोकरेज नेचर का बिजनेस नहीं, प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, 44A वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए और आपका टोटल टर्नओवर पूरे साल का जो है वो अप टू 2 करोड़ हो तो आप ये सेक्शन ले सकते हो। ये सेक्शन ये बोलती है कि आपको पीजीबीपी का इनकम कैसे निकाला जाएगा, योर पीजीबीपी इनकम इज योर टर्नओवर का सीधा 8%, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है उसका 8% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, आपने टर्नओवर को रियलाइज कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आपने टर्नओवर को रियलाइज कर दिया बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आपने उसको रियलाइज कर दिया तो यहां पे 8% की जगह 6% आ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है जैसे मान लो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, 50 लाख का है, वो कैश में है, 50 लाख का अकाउंट पे चेक का टर्नओवर है और अकाउंट पे चेक रियलाइज हो चुका है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो 50 लाख पे 6% और बाकी वाले 50 लाख पे 8%। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम इसमें 8% 6% से ज्यादा बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, यानी आंसर इज बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 8% 6% से कम प्रॉफिट बताना चाहते हो तो बता सकते हो या नहीं, बता तो सकते हो। अगर आप 8% 6% से कम बताते हो एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, अगर आप 8% 6% से कम प्रॉफिट बताते हो एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एंड आपको ऑडिट है वो ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, यह सेक्शन एक बड़ी ही फालतू सी बातें करती है, फालतू सी क्या एक ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन डालती है कि एक बार अगर आपने ये सेक्शन ले ली तो अगले 5 साल तक आपको ये सेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आपने इस साल 44AD ले ली तो अगले 5 साल तक आपको 44AD लेनी पड़ेगी। अगर अगले 5 साल में किसी भी साल में आपने 44AD अगर नहीं लिया, वायलेट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में जिस ईयर में 44AD नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक आप 44AD नहीं ले पाओगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपने 44AD लिया तो अगले 5 साल तक आपको 44AD लेना पड़ेगा। अगर अगले 5 साल में आपने 44AD नहीं लिया तो जिस ईयर में नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक फिर आपको 44AD नहीं लेना लोगे। और एक और चीज समझना, वो अगले 5 साल तक 44AD नहीं ले पाओगे और उस ईयर में ऑडिट भी करवानी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा का नेट टैक्सेबल इनकम आता है तो इररेस्पेक्टिव योर टर्नओवर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप 44AD लेते हो तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो लेस होगा, क्या उस 8% 6% से? आंसर इज नो। ये 8% 6% ये आपका फाइनल पीजीबीपी का इनकम है वो बनेगा। क्या इसमें से कोई खर्चे अलाउ होंगे? आंसर इज नो। क्या डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? आंसर इज नो। लेकिन एक चीज समझना, आप ब्लॉक चालू रखोगे, हर साल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चालू करोगे, डेप्रिसिएशन आपको कोई भी अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, अगर आप 44AD लेते हो तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा एक इंस्टॉलमेंट में और वो इंस्टॉलमेंट आपकी 15 मार्च को आएगी और 15 मार्च को आपको 100% है वो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट आप 44AD ले रहे हो तो उस केस में आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। इवन 44A भी ऐसा बोलती है कि 1 करोड़ से ज्यादा है तो टर्नओवर है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, माय टर्नओवर इज 1.5 करोड़, मैं 44AD ले रहा हूं, मैं 8% मेरा इनकम बता रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 44ADA। 44ADA इज फॉर प्रोफेशनल। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट प्रोफेशनल है, अब एक चीज समझना, यहाँ रेजिडेंट प्रोफेशनल कौन होना चाहिए इस सेक्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि ये सेक्शन रेजिडेंट पर्सन पे है जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल में एंगेज्ड है। लेकिन जब ये बजट आया था, जब ये सेक्शन लाई थी, उस टाइम का जो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग था उसमें ये लिखा था कि प्रोफेशनल में इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म ही हो सकती है अदर देन एलएलपी, ऐसा उधर लिखा हुआ था करके, ठीक है। तो देखो अगर प्रोफेशनल है और आपका जो ग्रॉस रिसीट है पूरे साल का 50 लाख से ज्यादा नहीं है, योर ग्रॉस रिसीट इज नॉट मोर देन 50 लाख, तो उस केस में आपको पीजीबीपी का इनकम बताना है। कितना पता है? ग्रॉस रिसीट का 50%। 50% विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। आपको क्या उसके सामने कोई खर्चे मिलेंगे? आंसर इज नो। क्या आप इससे ज्यादा प्रॉफिट बता सकते हो? आंसर इज यस। क्या इससे कम बता सकते हो? अगर कम बताते हो एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी आपको बनानी पड़ेगी। यहां पर भी जो 15 मार्च है वो तब तक आपको 100% एडवांस टैक्स है वो भरना पड़ेगा, और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया वो अलाउ नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन इज 44AE। 44AE इज रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और पूरे साल में मिला के आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, यू आर नॉट हैविंग मोर देन 10 व्हीकल, मींस मैक्सिमम आपके पास 10 व्हीकल हो सकते हैं, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो सकते, आपके पास मैक्सिमम 10 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। अब ये सेक्शन क्या बोलती है पता है आपको? पीजीबीपी का इनकम कितना बताना है, दो पार्ट, हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर तुम्हारा अदर व्हीकल है। हैवी गुड्स व्हीकल किसको बोलेंगे? ऐसा व्हीकल जिसका जो कैपेसिटी है, हैवी गुड्स व्हीकल ऐसे व्हीकल को बोलते हैं जिसका जो कैपेसिटी है वो 12 टन से ज्यादा है, जिसका जो कैपेसिटी है मींस उसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो ग्रॉस व्हीकल वेट आपको 12 टन से ज्यादा है, मींस 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, उसको अपन हैवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। तो हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हम क्या करेंगे कि पीजीबीपी का इनकम कितना आएगा पता है? पर व्हीकल का पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 1,000 पर टन, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ उस व्हीकल का इनकम बना जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास दो हैवी गुड्स व्हीकल है और उसका कैपेसिटी है वो 20,000 किलोग्राम है और आई कैन से 20 टन है, तो मैं क्या करूंगा पर टन का 1,000, सो 20,000 एवरी मंथ हर व्हीकल का इनकम है वो माना जाएगा। तो 1,000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन जो भी अदर व्हीकल है जैसे मीडियम व्हीकल या लाइट व्हीकल है उसके केस में 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो इनकम लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे व्हीकल को पुट टू यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको व्हीकल को यहाँ पे पुट टू यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ओन करते हो तो इनकम लिया जाएगा। जैसे मान लो व्हीकल है पूरे 12 महीने में से 4 मंथ गैरेज में रहा, रिपेयरिंग के लिए गैरेज में रहा, तो कि बी क्या वो 4 मंथ का इनकम आएगा या नहीं? आंसर इज यस, वो 4 मंथ का इनकम है वो इनकम आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे एक डिस्प्यूट था क्या सर ये 1,000 पर टन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। तो सर अगर मान लो किसी व्हीकल के केस में ग्रॉस व्हीकल वेट भी दे रखा है, अनलेडन वेट भी दे रखा है, तो कौन सा लेना है? अनलेडन वेट किसको बोलते हैं? जब खाली व्हीकल का वेट, और ग्रॉस व्हीकल वेट मींस गुड्स लोड करने के बाद का वेट। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया सीबीडीटी ने, और सीबीडीटी बोलती है कि ग्रॉस व्हीकल वेट लेना है। ग्रॉस व्हीकल वेट दे रखा है तो आपको ग्रॉस व्हीकल वेट ही लेना है, अगर ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं होता है तो उस केस में आप अनलेडन वेट है वो ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू आपकी 4 सेक्शन है जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है। सबसे पहली सेक्शन 44B। 44B ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो शिपिंग बिजनेस में है, नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में है, और उस केस में उसको जो भी भाड़ा मिलता है वो इंडिया में शिप वगैरह लेकर आता है, जो भी भाड़ा मिलता है इंडिया में, जो गुड्स लोड हुआ इंडिया में, जो गुड्स पैसेंजर मेल्स जो लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, या फिर लोड बाहर हुआ लेकिन उसका भाड़ा इंडिया में मिला है, तो उसका 7.5% है वो उसका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस उसका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा? तो पीजीबीपी का इनकम कितना माना जाएगा? इंडिया में जो लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, या फिर बाहर लोड हुआ लेकिन उसका भाड़ा इंडिया में मिला है, उसका 7.5% है वो पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। और 44BBA ये बोलती है कि अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है तो यहाँ पे 7.5% की जगह 5% हो जाएगा। शिपिंग बिजनेस नहीं, एयरक्राफ्ट बिजनेस। देखो शिपिंग बिजनेस में तो 7.5% और एयरक्राफ्ट बिजनेस में है तो 5%। तो जो भी जापान एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, उनका इनकम कितना माना जाता है इंडिया में पता है? पीजीबीपी का इनकम जितना इंडिया में लोड हुए लोग या पैसेंजर या गुड्स, उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या बाहर लोड हुए थे लेकिन भाड़ा इंडिया में मिला है, उसका 5% एंड 7.5% विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 44B और 44BBA में जो शिपिंग एयरक्राफ्ट में क्या आप 7.5% 5% से कम बता सकते हो? आंसर इज नो, ये मैंडेटरी सेक्शन है, इससे ना तो कम बता सकते हो ना ज्यादा बता सकते हो, इतना ही आपको बताना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे ये जो दोनों सेक्शन है, कौन सी 44B और 44BBA में करके, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि आप लोअर बता सकते हो? आंसर इज नो, आप लोअर नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ शिपिंग बिजनेस के केस में आपको डीमरेज चार्जेस दे रखा है। मेनी टाइम क्या होता है, कंपनीज ने क्या किया, फॉरेन कंपनीज ने वगैरह इस इनकम को कम बताने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी फ्रेट मिलता था उसको उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया, जो उसको स्प्लिट कर दिया। बोलते हैं जैसे 10 करोड़ मिला, बोलते हैं 5 करोड़ तो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है, डीमरेज चार्जेस है। तो इस केस में यहाँ पे लॉ में क्लेरिफाई किया हुआ है कि जो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है, डिमरेज चार्जेस है, उसको भी आपको इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करके और फिर आपको 7.5% लेना है। नेक्स्ट सेक्शन इज 44BB। 44BB क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है पता है, जो भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस के प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सर्विस देता है या फिर प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करता है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉन रेजिडेंट वगैरह फॉरेन की कंपनियां इंडियन कंपनीज को वगैरह रिग मशीन भाड़े पे देती है, तो प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करती है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर प्रोस्पेक्टेशन से रिलेटेड, तो उसका नॉन रेजिडेंट का इनकम कितना होगा पता है? इंडिया में जो एक्टिविटी हुई उसका पैसा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या एक्टिविटी बाहर हुई लेकिन पैसा इंडिया में मिला है उसका 10% है, वो उनका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। और 44BBB सेक्शन है वो सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है। देखो ये स्टार्टिंग की 3 सेक्शन है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए है, लेकिन जो लास्ट वाली सेक्शन है वो सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है। और लास्ट वाली सेक्शन ये बोलती है कि अगर फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में कोई टंकी प्रोजेक्ट में मतलब काम करती है। टंकी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जैसे मेट्रो है, बुलेट ट्रेन बना रही है एक फॉरेन की कंपनी, तो उसका इनकम कितना होगा इंडिया में? तो 10%, जितना पैसा उसको मिलता है उसका 10% है, वो उसका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। अब एक चीज समझना, जो लास्ट की 2 सेक्शन है 44BB एंड 44BBB, क्या उसमें 44BB और 44BBB उसमें आप ये जो 10% है उससे कम बता सकते हो? नहीं, आंसर इज यस, आप कम बता सकते हो और आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे जो 44AE सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना ट्रांसपोर्टर वाली, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट पे किया, रेम्यूनरेशन पे किया, यह अलाउ होता है। पार्टनर को जो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे किया यह अलाउ होता है करके, ठीक है चलो। और 44AE ऑल एसएससी के लिए है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 44C। 44C ये बोलती है कि अगर इंडिया में ब्रांच है और हेड ऑफिस बाहर है तो हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर जो इंडियन ब्रांच को दिए जाते हैं, तो क्या इंडियन ब्रांच को अलाउ होते हैं? आंसर इज यस, इंडियन ब्रांच को जो हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो अलाउ होते हैं। लेकिन कितने अलाउ होंगे पता है? जो हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है और 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर है वो अलाउ होंगे। लेकिन एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, और ग्रॉस टोटल इनकम में आप पुराने साल का जो भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है उसको सेट ऑफ मत करो। तो आप जीटीआई लो और जीटीआई में पुराने साल का जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है उसको सेट ऑफ मत करो, उससे पहले का जो इनकम रहेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम। लेकिन एक चीज समझना, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर आपको लॉस आ जाता है तो पिछले 3 साल का एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम ले लो। अब एक और चीज समझना, अगर वो मान लो ब्रांच चालू किए हुए 3 साल नहीं हुए, लास्ट 2 साल ही हुए तो 2 साल का एवरेज ले लो, अगर एक ही साल हुआ तो लास्ट ईयर का ही ले लो। अगर मान लो ये पहला ही साल था और एडजस्टेड टोटल इनकम नेगेटिव आ जाता है तो आपको हेड ऑफिस का अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है, एक रूल है बेसिकली, और रूल नंबर 9 है और 9B। और रूल नंबर 9A 9B क्या बोलता है पता है? कि अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको जो फिल्म बनाने का जो खर्चा होता है उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो देखो उसमें 2 पार्ट। सबसे पहली चीज, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको खर्चे का डिडक्शन, जैसे फिल्म बनाने में 200 करोड़ लग जाते हैं तो क्या एक साथ 200 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा? तो उससे रिलेटेड रूल है। और ये रूल ये बोलता है, समझने की कोशिश करना, अगर मान लो आपने उसके जो राइट है फिल्म के, जैसे संजय लीला भंसाली ने पद्मावत बनाई थी और उसके जो राइट है 200 करोड़ खर्चा किया, उसने मान लो पूरे राइट इस साल किसी को बेच दिए, पूरे राइट ऑल राइट उसने किसी को बेच दिए, तो पूरा खर्चा इसी साल अलाउ हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, राइट पूरे नहीं बेचते हो, आप क्या करते हो कुछ राइट किसी को बेचते हो और बाकी जगह आप एग्जीबिशन खुद करते हो या फिर हर जगह आप खुद ही एग्जीबिट करते हो। यहां पे राइट है वो ऑल राइट किसी को नहीं बेचते हो तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन कि ये मूवी इस साल में रिलीज कितने दिन हुई है। अगर वो मूवी इस साल में रिलीज हुई है वो 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए, मूवी जो रिलीज हुई है वो 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए, जैसे मार्च के 31 डेज, फेब के 29 डेज और जनवरी के आई थिंक 3 जनवरी या उससे 3 जनवरी है जो है वो 3 जनवरी या उससे पहले हुई है तो आई थिंक 90 डेज हो जाते हैं। तो एक कुल मिला के एक बात बताऊं, 90 डेज या उससे ज्यादा इस साल में रिलीज हुई है तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज तक रिलीज नहीं हुई, जैसे मान लो 14 फेब को कोई मूवी रिलीज हुई है तो इस साल में 90 डेज नहीं मिला, तो उस केस में क्या पूरा खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो। जितना आपने खर्चा किया था और जितना इस साल आपकी रिकवरी हुई, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस साल में अगर आपने मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, यहां पर जो मूवी पे जो खर्चा करते हो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? 2 पार्ट। अगर आपके जो राइट है वो क्या करते हो, पूरे राइट आप किसको आपको बेच देते हो, पूरे राइट आप पूरी मूवी किसी को बेच देते हो, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कुछ एरिया के राइट बेचते हो, कुछ एरिया में खुद से एग्जिबिट करते हो या फिर खुद ही एग्जिबिट करते हो, तो उस केस में आपको यह देखना है कि इस साल में मूवी जो है वो 90 डेज या उससे ज्यादा का टाइम उसको मिला है नहीं, 90 डेज या उससे ज्यादा का टाइम मिला है तो 100% खर्चा इसी साल अलाउ हो जाएगा। 90 डेज से कम मिला, जैसे 14 फेब को रिलीज हुई है मूवी, तो उस केस में क्या होगा कि जितना उससे रिकवरी होता है और खर्चा विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर इस साल में मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, अब इसको लेकर डिस्प्यूट यह आ गया कि जोश सर ऐसी बहुत बार एबेंडन मूवी हो जाती है। जैसे आपने गाना सुना होगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये जो मूवी थी ये संजय दत्त सलमान खान स्टारर मूवी थी और इसका नाम था 10, लेकिन इसमें डायरेक्टर की शायद डेथ हो गई, ये मूवी बनी नहीं, तो उसका एबेंडन मूवी थी, उसका कोई खर्चा हो गया मान लो 50 करोड़। तो क्या ये खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल अलाउ होगा या नहीं, तो उसको लेके सीबीडीटी का एक सर्कुलर है और सीबीडीटी बोलती है एबेंडन मूवी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपको अलाउ हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। बाकी वाली एक दो छोटे छोटे सेक्शन है, इसको आप देख लेना। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर टॉपिक पीजीबीपी। गाइस, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है, पूरा लगा लो, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी लगा लो। और बेटा बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा करो और अच्छी चीज़ें खाया करो, हेल्थ का पूरा ध्यान रखा करो घर के, ठीक है। और हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ही चीज़ें हैं वो सही होने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन और मोटिवेट रहा करो, ऑलवेज मोटिवेट रहा करो। मैनी टाइम ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए डीमोटिवेट हो जाओ, बट डोंट वरी, थोड़ा आराम से लंबी सांस लेने के बाद पानी पी लो और उसके बाद मोटिवेट रह के और पढ़ाई किया करो। ये जो कोर्स है उसमें 4-5-6 महीने हैं, वो कंटिन्यूस पढ़ाई करनी पड़ती है, इस दुनिया से विरक्त होना पड़ता है, तब जाके एक डिग्री मिलती है जिसका नाम है CA। तब जाके आप फेसबुक में अपने नाम के आगे CA लगा सकते हो। सो गाइस, गिव योर बेस्ट एंड ये जो अटैम्प्ट है ये अपने लिए लास्ट होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।